वेलकम टू विनायका बाय मानसी। सो टुडे वी विल डू क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पूरी वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो पूरा कवर कर लेंगे। इसके अलावा ना तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चीज़ को रेफ़र करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, इसी को बार बार रिवाइज करना, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। सारे राइट्स कवर्ड है इसमें, सारी डिटेल्स जो भी आपको जाननी ज़रूरी है वो कवर्ड है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो भी, इसकी उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है वो भी इसमें कवर्ड है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एंड केशवानंदा भारत केस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी स्टडी फंडामेंटल राइट्स, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो जो राइट्स हैं यानी कि अधिकार जो भी हर इंडिविजुअल को मिले हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्टेड है, जो वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रिटन है, पार्ट 3 में इसको इंक्लूड किया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये तो है नहीं कि बस वो ये बताया हुआ है कि कौन सा जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, जैसे लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव जो हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, वो किन लोगों से मिलकर बनता है, ये सारी डिटेल्स कैसे बनता है, क्या उसकी प्रोसीजर होता है, वो सब तो गिवन है ही है। साथ में राइट्स भी दिए हुए हैं और कुछ ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट को जो पावर मिली हुई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसी पर लिमिट्स भी लगाई हुई है। ऐसा नहीं है कि वो पावर गवर्नमेंट के पास है तो एब्सोल्यूट पावर है, वो कुछ भी करेगी ऐसे तो किस बात की डेमोक्रेसी रह गई फिर। तो लिमिट्स भी होना ज़रूरी है ना, ताकि गवर्नमेंट भी उसका मिसयूज़ ना कर पाए जो पावर उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिट्स भी आती है, वो लिमिट्स किस फॉर्म में है, राइट्स की फॉर्म में। अगर हमारे पास कुछ इंडिविजुअल्स के पास कुछ राइट्स ही नहीं होंगे तो क्या हम गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल पाएंगे? हम बोल पाएंगे कि हमारे लिए ये करो या वो करो, या आप ये गलत कर रहे हो वो कर रहे हो, क्योंकि अधिकार ही नहीं होंगे तो किस उससे हम बोलेंगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिविजुअल्स को, सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स देता है जो लिमिट लगाती है गवर्नमेंट की पावर्स को। और क्या इंश्योर करती है ये सारी चीज़ें? कि एक डेमोक्रेसी मेंटेन रहे, डेमोक्रेटिक सिस्टम मेंटेन रहे, ठीक है। अब कौन से वो राइट्स हैं वो हम डिटेल में अच्छे से जानते हैं, पार्ट 3 में है ये तो हमें पता चल चुका है। और ये राइट्स मैंने आपको बता दिया, डेमोक्रेसी तभी है जब लोगों के पास राइट्स है, वरना तो कोई भी कुछ भी करेगा, कोई इसके खिलाफ बोल नहीं पाएगा, किसी के पास कोई अधिकार नहीं है बेसिक जो भी राइट्स हैं। इसीलिए तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे जो जो लोगों ने सहा, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो जो चीज़ें देखी कि हमारे पास इस चीज़ का राइट नहीं है, इस चीज़ का राइट नहीं है, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ को जब उन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो इंक्लूड किया कि हमारा जो फ्यूचर चाहिए हमें उसमें ये बेसिक चीज़ें तो भाई होनी ही चाहिए। अब इतना ब्यूटीफुली बनाया, इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अपना इंडिया का, वर्ल्ड का, तो सब कुछ सारी एक माइन्यूट डिटेल्स भी इसके अंदर है। तो डेमोक्रेसी इंश्योर हो इसलिए राइट ज़रूरी है। और डेमोक्रेसी कैसे होगी? जब लोगों के पास जस्टिस मिल पाएगा, लोगों को एक्सेस होगी जस्टिस से, है ना, जस्टिस के लिए इक्वालिटी होगी लोगों में, भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी किसी को एक्सप्लॉयट ना कर पाए, किसी का शोषण ना कर पाए, प्रोटेक्शन हो, सबके पास राइट्स हो, उनकी फ्रीडम हो, आज़ादी हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए राइट्स का इतना ज़्यादा महत्व है। अब जो लिस्ट ऑफ राइट्स उस टाइम पे बना था, ठीक है, तो उसको बोला गया बिल ऑफ राइट्स। पहले कोई भी एक्ट बनता है वो पहले बिल ही होता है ना, जब पास होता है तभी तो एक्ट बनता है। और जब राइट्स की लिस्ट बनी थी तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको किस नाम से बोला गया था? बिल ऑफ राइट्स, मतलब जिस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये सब बना रहे थे तो उसे बोला गया था बिल ऑफ राइट्स। अब बिल ऑफ राइट्स ने क्या किया? इट प्रोहिबिट्स गवर्नमेंट फ्रॉम एक्टिंग अगेंस्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंश्योर्स अ रेमेडी इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दीज राइट्स। अब बिल ऑफ राइट्स का क्या काम हुआ कि गवर्नमेंट को इसने प्रोहिबिट किया कि वो लोगों को जो राइट्स हम दे रहे हैं ना उसके खिलाफ गवर्नमेंट ना जा पाए, उसको वॉयलेट ना कर पाए। अगर वो वॉयलेट करेगी तो उसकी पनिशमेंट क्या है, उसके आगे क्या एक्शन लेना है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है। अब वो वॉयलेशन कौन कर सकता है बताओ? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कोई भी ऑर्गन अगर करेगा तो ही तो लोग जाएंगे ना उसके खिलाफ वो करने, कंप्लेंट करने, जुडिशरी को अप्रोच करेंगे बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और अनदर पर्सन। या तो कोई प्राइवेट पर्सन करेगा गवर्नमेंट के अगर ऑर्गन्स नहीं करेंगे तो, या कोई और बंदा करेगा। जो भी बंदा वॉयलेट करेगा राइट्स को उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठा सकते हैं, ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा प्रोवाइड कराता
है। अब ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल जो लीडर्स थे हमारे, उन्होंने इम्पोर्टेंस इस राइट्स की इसलिए रियलाइज़ करी क्योंकि उन्हें पता था उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल कर रहे थे वो बिल्कुल ना तो लोगों को कुछ अधिकार देते थे और जो थोड़े बहुत थे भी वो बस नाम के थे, उनकी रिस्पेक्ट भी वो नहीं करते थे, अपनी मनमर्जियाँ चलाते थे। इसलिए इतना ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स को इम्पॉर्टेंट माना गया है कि पता है बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ना, बेसिक जो बिल्कुल बेसिक बात है, बहुत नेसेसरी है, ज़रूरी है, उसमें इंक्लूडेड है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जी है उनकी एक कमेटी थी जिसने फर्स्ट टाइम बिल ऑफ राइट्स की डिमांड करी 1928 में, ये याद रखना है आपको। Therefore, when India became independent and constitution was being prepared, the constitution listed the rights that would be, जब कोई डिमांड करेगा तभी तो ये चीज़ फुलफिल हो पाएगी ना, अगर फ्यूचर में होगी, कोई डिमांड ही नहीं करेगा तो कोई क्या ही किसी चीज़ के लिए काम करेगा। तो इन्होंने डिमांड की बिल ऑफ राइट्स की और फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स इंक्लूडेड किए गए, किस नाम से, फंडामेंटल राइट्स के नाम से। और ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स में जो अधिकार आ गए वो अगर हमें बदलने हैं ना तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करना पड़ेगा, मतलब उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, चेंज मतलब अमेंडमेंट। लेकिन अगर दूसरे राइट्स की यहाँ पे बात करें, जो नॉर्मल ऑर्डिनरी लीगल राइट्स होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स तो है नहीं। फंडामेंटल यानी कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, लीगल राइट्स यानी कि तो जो दूसरे अदर इम्पॉर्टेंट राइट्स हैं, अगर उन दूसरे राइट्स में हमें चेंजेस करने हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की ज़रूरत नहीं है। उसका एक सिंपल अलग से प्रोसीजर है, ऑर्डिनरी लॉ से जो प्रोटेक्टेड और इन्फोर्स्ड है राइट्स, उनका अलग प्रोसीजर है, जो लेजिस्लेचर है वो चेंज कर सकती है उनको टाइम टू टाइम। लेकिन जब फंडामेंटल राइट्स की बात आती है तो क्या करना पड़ेगा भाई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। ये दोनों में ना डिफरेंस है। ठीक है, लीगल राइट्स और ऑर्डिनरी राइट्स को कौन चेंज कर सकता है, लेजिस्लेचर सिंपल प्रोसेस से, ऑर्डिनरी प्रोसेस से। वो फंडामेंटल राइट्स को कैसे चेंज करेंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करती है क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, लीगल अदर लीगल राइट्स बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। ठीक है, समझ आया आपको। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं भाई, अब ये राइट्स तो बन गए, अगर इसकी वायोलेशन हो गई तो इंसान जाएगा कहाँ जिसके पास ये राइट्स है, अगर कहीं वो अप्रोच ही नहीं कर पाएगा किसी को कि हमारे राइट्स की रिस्पेक्ट नहीं हो रही है, वायोलेट किए जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा उन राइट्स का। तो जुडिशरी का काम होता है कि वो फंडामेंटल राइट्स है ना जो, उसको वायोलेशन ना हो, कोई भी उसकी वायोलेशन ना करे, तो ये इसका जुडिशरी का काम होता है, प्रोटेक्ट करना फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, और जुडिशरी चाहे तो जब उसको लगेगा कि नहीं भाई एग्जीक्यूटिव या जो लेजिस्लेटिव एक्शंस है वो इलीगल है, कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव के जो पार्ट है लोग, गवर्नमेंट का जो हिस्सा है, वो कुछ ऐसे एक्शंस ले रहे हैं जिससे लोगों के राइट्स का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रही है, तो ये उन एक्शंस को इलीगल भी डिक्लेयर कर सकती है जुडिशरी। इसके पास इतनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हुई है। ठीक है, अनरीजनेबल मैनर से चीज़ें हो रही हैं तो ये जुडिशरी इलीगल उसको डिक्लेयर कर देगी। अब फंडामेंटल राइट्स जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है। अब देखो, लोगों के पास भी अगर अधिकार है तो वो भी तो उसका मिसयूज़ कर सकते हैं ना, कुछ भी कैसे भी करेंगे वो तो, कि भाई हमारे पास अधिकार है, फ्रीडम मिली हुई है, फ्रीडम का अधिकार है, अब तो हम जो मर्जी करेंगे। फ्रीडम में तो कोई किसी का मर्डर भी कर सकता है भाई, अगर चाहे भाई, हमारे तो हम तो आज़ाद है, कौन हमसे क्या बोलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को मेकर्स को पता था कि कोई भी पावर एक्सट्रीम फॉर्म में हार्मफुल होगी, ये तो ऑब्वियस है, हर चीज़ पे एक लिमिट लगानी ज़रूरी है। जैसे गवर्नमेंट की पावर पे फंडामेंटल राइट्स ने लिमिट लगाई, ऐसे फंडामेंटल राइट्स पे भी तो कुछ लिमिट्स होनी चाहिए ना, रिस्ट्रिक्शंस। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, अनलिमिटेड राइट्स नहीं है, इन पे भी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट लगा सकती है, जब लगेगा कि भाई नहीं ये तो मिसयूज़ हो रहा है राइट्स का, तो रिस्ट्रिक्शंस लगेगी। अब क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेगी कैसे, अब जब इंडिविजुअल हम राइट्स करेंगे ना अभी, उसमें सारा आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, जो कि कब इनॉग्रेट हुआ, दिसंबर 1996 में, और एक बना और प्रोमुलगेट कब हुआ, जब वहाँ पे अपार्थीड गवर्नमेंट थी, सिविल वार का टाइम था, डर था कि भाई सिविल वार हो सकती है, क्योंकि अपार्थीड गवर्नमेंट तो डिसॉल्व हो गई थी, हट गई थी, जब भी तो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो
उस टाइम लड़ाई वड़ाई का डर भी था, उस टाइप पर ये कॉन्स्टिट्यूशन साउथ अफ्रीका का बना। और इसने कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल ऑफ राइट्स को इतनी इम्पोर्टेंस दी इन्होंने भी कि कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी इसको कह दिया कि डेमोक्रेसी अगर है और बिल ऑफ राइट्स नहीं है तो डेमोक्रेसी कैसे ही किसी चीज़ किस चीज़ को आप डेमोक्रेसी कहोगे अगर राइट्स ही नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा डिक्लेयर इन्होंने कर दिया बिल ऑफ राइट्स को साउथ अफ्रीका में। और इनके कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या चीज़ फॉरबिड करी, मतलब किस चीज़ को रोका कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी भाई इन ग्राउंड्स पे, क्योंकि अपार्थाइड गवर्नमेंट थी, डिस्क्रिमिनेशन बहुत थी। अब देखो डिस्क्रिमिनेशन किन चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए, भेदभाव कल्चर के हिसाब से कि किसी कोई किसी कल्चर से बिलोंग करता है तो इसको ऐसे राइट्स नहीं मिलेंगे, इसके साथ भेदभाव किया जाएगा, नहीं। कल्चर के हिसाब से भी नहीं होना चाहिए, किस रेस से वो बिलोंग करते हैं वो भी नहीं होना चाहिए, रेस वो भागने वाली रेस नहीं, जिस कलर से वो बिलोंग करते हैं। रेस होता है ना, यूएस अमेरिका में जाओगे आप किस रेस से बिलोंग करते हैं, अपनी जैसे कास्ट सिस्टम होता है वैसे वहाँ पर रेस होता है कलर के बेसिस पे। लैंग्वेज के बेसिस पे भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, जेंडर के बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए कि भाई तू लड़का है तू लड़की है तेरे पास ये राइट्स नहीं है तेरे पास वो, तो इन बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इक्वल फुटिंग पे सबको रखना चाहिए। कंसाइंस, कोई क्या सोचता है, क्या उसके बिलीव्स है और क्या उसका थॉट प्रोसेस है, अगर किसी की सोच किसी से नहीं मिलती, किसी चीज़ को टॉपिक को देखने का तरीका किसी का अलग है किसी का डिफरेंट है, तो उसको उन बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। प्रेग्नेंट है कोई वुमन उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई मैरिड है अनमैरिड है मैरिटल स्टेटस के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, डिसेबल है कोई बंदा विकलांग है उस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, किसी सोशल ओरिजिन किसी का कुछ है कोई कहीं से ओरिजिनेटेड है कहीं से किसी एथनीसिटी से बिलोंग करता है तो उस बेसिस पे भी नहीं होना चाहिए, किसी का बर्थ के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, क्या कलर है क्या एज है रिलीजन किस रिलीजन से किस धर्म से बिलोंग करता है उस बेसिस पे भी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्राउंड्स उसने बताए साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने कि भाई इन बातों पे तो बिल्कुल भेदभाव हमें नहीं चाहिए। और इतनी रेंज इसने एक्सटेंसिवली डिफाइन कर दी राइट्स की, है ना। देखो एक सिंपल से टॉपिक को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऐसे बोलते तो क्या ही डिफाइन होगा, इसने ग्राउंड्स भी बताए कि किन किन बातों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब ये डिस्क्रिमिनेशन कैसे कोई बंदा ख़त्म कर सकता है, फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे लोगों को तभी तो ना वो बोल पाएंगे कि हमारे साथ भाई इस बात पे भेदभाव हो रहा है, हमारे पास अधिकार है जो कि नहीं होना चाहिए। तो इनके लिए क्या ज़रूरत पड़ी, फंडामेंटल राइट्स की नीड यहीं से तो अराइज होती है ना। तो साउथ अफ्रीका में जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें देखो इतने सारे राइट्स थे, राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, सबकी प्राइवेसी की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए अधिकार दिया, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस के तरीके से काम हो लेबर के साथ कुछ भी गलत ना हो उसका राइट इंक्लूडेड था, हेल्दी इन्वायरमेंट हो लोगों के लिए, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, एडिकेट हाउसिंग उनके रहने खाने पीने का, फूड वाटर इन सब चीज़ों का भी उनकी प्रोविज़न रखा गया फंडामेंटल राइट्स में, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी जो बच्चे हैं उनके राइट्स, और बेसिक एजुकेशन की बात की गई, हायर एजुकेशन की बात की गई, और कल्चरल और रिलीजियस जो कम्युनिटी है और लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज के बेसिस पे होती है ना, ये इस भाषा के लोग हैं ये इस भाषा के लोग हैं, है ना, डिवीजन होती है ना एक सोसाइटी में इन बेसिस पे, तो उनके भी अलग अलग अधिकार इसके अंदर इंक्लूडेड किए गए। इंफॉर्मेशन का राइट भी दिया गया कि अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो लोगों को अधिकार है पूछने का कि हाँ भाई क्या कर रही है गवर्नमेंट, तो हमने ही चुनी है ना, हमें बताओ हमें ये डिटेल जाननी है, तो वो लोग मांग सकते हैं, ठीक है। ये सारे राइट्स हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब इस चीज़ से हम ये बात तो समझ गए कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन है उनके लिए हमें राइट्स की ज़रूरत है, और ये जो ग्राउंड्स की बात करी गई है उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा राइट्स है, राइट है राइट टू इक्वालिटी। जब भी तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ना, जब सबको बराबर हम मानेंगे, अगर बराबर ही नहीं मानेंगे तो ही तो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर हमारे पास राइट टू इक्वालिटी का राइट है तो किस बात की डिस्क्रिमिनेशन भाई। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 जो है जहाँ से फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टार्ट होते हैं उसमें ये सब पार्ट्स हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, के लॉ के सामने सब बराबर होने चाहिए सबके, और जो भी अधिकार है जो लॉ है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। लॉ के सामने सब बराबर है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वट एवर जेंडर दे बिलोंग टू, वट एवर कास्ट दे बिलोंग टू, किसी भी लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। और ये भी बात ध्यान रखना साथ साथ कि कुछ भी एब्सोल्यूट
नहीं है, सब पे रिस्ट्रिक्शंस है जो हम अभी पढ़ते हैं। देखो इस राइट ने क्या किया कि भैया इक्वल एक्सेस मिलेगी, इक्वालिटी वाले राइट ने पब्लिक प्लेसेस पे, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है जैसे शॉप्स हो गई, होटल्स हो गए, बाथिंग घाट्स हो गए और वर्शिप करने के प्लेसेस हो गए, वहाँ पे सबको एक्सेस है। ये नहीं है कि कोई इस रिलीजन से, इस कास्ट से बिलोंग करता है, इस जेंडर से बिलोंग करता है तो वो वहाँ पे नहीं जा पाएगा, इन बेसिस पे किसी को मना नहीं किया जाए। अब पता है ये चीज़ें क्यों आप सोचोगे कि वो बोली गई, क्योंकि जो पहले की हमारी सोसाइटी थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की भी और उससे भी पहले की, बहुत पहले की भी, तो ना इन बेसिस पे ना भेदभाव होता था। पास्ट में ऐसी सोसाइटी में ये चीज़ें थी, प्रॉब्लम थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम ये चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई कि भाई पब्लिक प्लेसेस पे किसी को जाने के लिए मना नहीं किया जाएगा, इक्वल एक्सेस होगी सबके लिए। अगर वो पब्लिक प्लेसेस है तो पब्लिक में सब आते हैं, ये नहीं इस पर्टिकुलर लोग ही जा पाएंगे और ये पर्टिकुलर। जब भी आप कभी भी देखते होंगे कहीं पे कोई इंसिडेंट हो रहा है केरला में, कहीं पे कोई टेंपल का इशू हो रहा है कि यहाँ पे ये वाली गर्ल्स नहीं जाएंगी या इस टाइम पे ये नहीं जाएंगी, तो ये कहीं ना कहीं राइट्स की वायलेशन है ना, जब ही तो लोग केस कर पाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुनाता है उसको ही माना जाता है। तो ये चीज़ें तो खैर कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है, कन्फ्लिक्ट्स भी होते रहते हैं, जुडिशरी इंटरप्रेट करती रहती है टाइम टू टाइम कि किस राइट का क्या मतलब है। कई बार नहीं गवर्नमेंट समझ पाती ना एक चीज़ के बहुत मतलब निकाले जा सकते हैं, तो जुडिशरी उस टाइम पर काम करती है, डिफाइन करती है कि इसका क्या मतलब है, कैसे क्या होना चाहिए और कौन से एक्शंस ऐसे हैं जो वॉयलेट करते हैं और कर रहे हैं, वो इलीगल भी डिक्लेयर कर देती है। और क्या बोला भाई इस राइट ने कि आर्टिकल 14 की तो बात हो गई, ये वाली इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और ये इक्वल एक्सेस होगी, ये सब होगा, ये सारी किसने बात करी, आर्टिकल अपने 15 ने, ठीक है 14 की बात हो गई, अभी 15 की बात है जो डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, जो साउथ अफ्रीका में हमने पढ़ा था ना इन ग्राउंड्स पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अब इंडिया की अगर हम बात करेंगे उसमें बोलता है रिलीजन, धर्म के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए हमें, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, नो डिस्क्रिमिनेशन, रेस के बेसिस पे नहीं चाहिए, कास्ट के बेसिस पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस, कोई यहाँ पे पैदा हुआ है, कोई यूपी में पैदा हुआ है, कोई कहीं पैदा हुआ है तो डिस्क्रिमिनेशन होगी, नहीं, हर चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं बट इन बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। और अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब इस आर्टिकल 16 में जो ये अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, इसमें ना पता है राइट्स की जब भी हम बात करते हैं तो सिटीजन्स जब भी लिखा हो, पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स के लिए भी राइट्स हैं, फॉरेनर्स के लिए भी राइट्स हैं, मतलब सिटीजन्स तो वो हो गए जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको तो अधिकार है ही है, लेकिन कुछ फॉरेनर्स जो हमारे देश में आते हैं उन्हें भी कुछ राइट्स है। तो जब सिटीजन्स की बात होती है तो वो राइट सिर्फ हमारे सिटीजन्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सबको, मतलब देखो सिटीजन्स की बात हो रही है तो हमें पता ही है। और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाती है, रोज़गार अपॉर्चुनिटीज़ लाती है, जॉब्स निकालती है, तो सबको हक बनता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसको अप्लाई कर सकते हो। अब लेकिन यहाँ हमने बात करी थी कि एब्सोल्यूट कोई राइट नहीं है, सब पे रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे तो इक्वल अपॉर्चुनिटी अगर मान लो कोई जॉब गवर्नमेंट ने निकाल दी है तो 10वीं पास भी जाके अप्लाई करेगा उसको, और जो ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई करेगा। तो एक एलिजिबिलिटी मेरिट नाम की एक चीज़ होती है जो उस पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगाती है। देखो इन बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बस के रिलीजन के बेसिस पे मना कर रहे हैं, इन बेसिस पे मना कर रहे हैं, लेकिन क्या कौन उसके लिए क्वालिफाइड है, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है, ये इसकी डिटेल्स है, एब्सोल्यूट कोई राइट नहीं है। ऐसे तो कोई भी पुलिस का फॉर्म निकला है चाहे वो एलिजिबल हो ना हो, वो कहेगा भाई हमारे पास अधिकार है, हम तो अप्लाई करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता, किस मेरिट कहाँ से आया। फिर मेरिट की भी तो वैल्यू है ना कुछ, कोई एजुकेटेड है, कोई क्वालिफाइड है उसके लिए वही तो अप्लाई कर पाएगा, तो ये रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। लेकिन अपॉर्चुनिटी है इन बेसिस पे, इन चार पांच चीज़ों के बेसिस पे नहीं करेंगे बस भेदभाव, बाकी चीज़ों पे कर सकते हैं, जैसे कि एकेडमिक्स के बेसिस पे, पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 16 इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करता है। अब 16 ये सारे राइट्स पता है जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना 14 से लेके अभी 16 तक आ चुके हैं और 18 तक हम पढ़ेंगे, ये सारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर ही आते हैं। अब आर्टिकल 16 में अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, जब
तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू चलता रहता है, कन्फ्लिक्ट चलता रहता है इस पर, जो है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन क्या कि कुछ सर्टेन सेक्शन होता है सोसाइटी का, उसके लिए हम कुछ सीटें रिजर्व कर देते हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, कि ये इतनी सीटें तो उन लोगों के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, ठीक है। अब ये कहाँ से इक्वालिटी हुई भाई बताओ? लोग बोलते हैं ना ये इक्वालिटी है, लेकिन ये इक्वालिटी है। देखो इक्वालिटी और इक्विटी में ना फ़र्क होता है। सबको देखो अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप मैच देख लो जाके, ये बंदे भी देख रहे हैं ना देखो इस साइड वाले, और ये भी देख रहे हैं, क्या फ़र्क है दोनों में? अब हम तीनों की देखो हाइट अलग अलग है, तीनों को बोलेंगे जाके मैच देखो, हमने अपॉर्चुनिटी दे दी तीनों को, लेकिन अगर उनके पास, तीनों के पास वो ही नहीं है, तीनों में से दो, एक तो बंदा जो लंबा है वो देख लेगा, लेकिन जो दो छोटे रह गए हैं उनको तो इस टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी ना। अगर उनके पास टूल ही नहीं है और हमने अलाउ कर दिया कि जाओ मैच देखो, तो वो जाएंगे देखने, लेकिन क्या वो देख पाएंगे? रियल सेंस में इक्वालिटी होएगी? नहीं होएगी। लेकिन अगर हम उनको साथ में स्टूल प्रोवाइड करा रहे हैं उनकी जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से, तो असली मायनों में इक्वालिटी है ना। तो रिजर्वेशन भी आर्टिकल 16 के अंदर जो 4 क्लॉज है, सब क्लॉज उसके अंदर जो आता है, वो रिजर्वेशन के बाद बारे में बात करता है। देखो रिजर्वेशन जो लोग पहले से ही बैकवर्ड है सोसाइटी में, पहले ही कुछ चीज़ों की वजह से अनइक्वल उनको ट्रीट किया जा रहा है, कास्ट की वजह से या इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, पैसों की वजह से, गरीब है कुछ है, वुमन को अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो उनके लिए बता दिया कि इतनी परसेंट सीट तो भाई इन्हीं लोगों के लिए। तो एक तरीके से बाकी लोग जो पावरफुल है सोसाइटी में उनके से साथ सेम लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कराती है रिजर्वेशन के, चलो अब आप लोगों को हमने बराबर पर रख दिया, अब आप मेरिट के बेसिस पे जाओ, अब आप अगर क्वालिफाइड हो इस चीज़ के लिए आप करो। रिजर्वेशन है, कुछ रिलैक्सेशन मिल जाती है मार्क्स में, ये सब चीज़ें हो जाती है ताकि इक्वल फुटिंग पे आ पाए, क्योंकि एक नॉर्मल बंदा जिसके पास सारी फैसिलिटीज़ है उसको किसी चीज़ के लिए तैयारी करने में, और जिसके पास चीज़ों की कमी है उसको तैयारी करने में फ़र्क है ना, फ़र्क लगेगा, तो वो तो बंदा मार्क्स ज़्यादा लाएगा और उसमें थोड़े फ़र्क पड़ सकता है। ये नहीं है हर चीज़ में ऐसे ही होगा, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, बट कहीं ना कहीं रिजर्वेशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैकवर्ड सेक्शंस को, जो किसी ना किसी वजह से डिसएडवांटेज ग्रुप है सोसाइटी का। जैसे डिसएडवांटेज ग्रुप कौन कौन सा हो सकता है भाई? जो सर्विसेज में ज़्यादातर नहीं है, वूमन जैसे अगर किसी उसमें ज़्यादा नहीं पार्ट लेती थी तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन बनाई हुई, चलो अट्रैक्ट करेगी ये चीज़ें, वूमन को भी आगे बढ़ना चाहिए। कोई फिजिकली डिसेबल्ड लोग हो गए, विकलांग लोग हो गए हैं, उनको रिजर्वेशन, ताकि इक्वल लेवल पे सब आ पाए। इक्वालिटी तभी तो सही मायनों में है ना। एससीज एसटीज जिसने जिनके साथ सोसाइटी में गलत होता आया है, अब इसका अब ये मतलब नहीं कि हर टाइम पे ये चीज़ें जस्टिफाइड होगी। टाइम के साथ लोगों की सिचुएशन इंप्रूव होती है, कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन हो रही है लोगों के साथ और कहीं पे नहीं हो रही, तो इस पे तो खैर कन्फ्लिक्ट चलता रहता है कि यह कहाँ गलत है रिजर्वेशन, कहाँ सही है। बट हाँ, जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं उनको जब प्रोटेक्शन रिजर्वेशन प्रोवाइड कराती है तो बिल्कुल जस्टिफाइड है। ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 कहता है कि रिजर्वेशन जो ये हमने प्रोविजन डाला हुआ है आर्टिकल 16(4) में, ये कहीं भी राइट टू इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता, इसको नहीं माना जाएगा कि इक्वालिटी को ये वायलेट कर रहा है, बल्कि ये इक्वालिटी ला रहा है असली मायनों में, इंश्योर कर रहा है, ये गवर्नमेंट इसके थ्रू कहती है। अब आपको रिजर्वेशन का सिस्टम भी समझ आ गया, आर्टिकल 14, 15, 16 भी समझ आ गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 की। पहले के टाइम पे देखते थे जो एससीज होते थे, एससीज जो एसटीज वगैरह, उनके ना छुआछूत बड़ा किया जाता था कि छू नहीं सकते, टच नहीं करेंगे, गंदे लोग हैं, हमसे डाउन उनको ट्रीट किया जाता था। तो चलता था ना कि नहीं नीचे कास्ट के हाथ मत लगाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो बहुत कुछ चलता था, और अभी भी कहीं कहीं गाँव में ये सब चीज़ें हैं प्रेवलेंट। तो आर्टिकल 17 आया और उसने इस चीज़ को अबॉलिश कर दिया, ये चीज़ इनलीगल है, अनटचेबिलिटी जो भी प्रैक्टिस करेगा उसे जेल होगी या जो भी व्हाटएवर उसके साथ पनिशमेंट जरूरी है वो होगी, ठीक है। तो ये एक राइट आया आर्टिकल 17। अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं, बट राइट हमारे पास है, कोई भी ऐसे करता है तो बंदा जा सकता है। आर्टिकल 18 में क्या है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक। अब जो लोग हैं कुछ भी टाइटल लगा सकते हैं, अगर कुछ उन्होंने अचीव करा, कोई रिच अंबानी ने कुछ ऐसी चीज अचीवमेंट ले ली, वो उसका टाइटल अपना सरनेम बना देगा और उसकी पुश्तें वो बरत रही हैं, ये तो गलत बात है ना। आप अगर मिलिट्री और एकेडमिक कुछ पढ़ लिख के अगर कोई टाइटल अपने ऊपर लगा रहे हो, जैसे कि PhD करके आगे डॉक्टर लग जाता है, वो तो टाइटल का हिस्सा हो गया ना एक, तो उसको आप लगा सकते हो, मिलिट्री का टाइटल हो गया जैसे जर्नल ये जर्नल वो, तो ये सब चीज़ें आप लगा सकते हैं। लेकिन फालतू की अगर चीज़ें आपके साथ कर रहे हो, जैसे भारत रत्न का कुछ हो गया, कोई भारत रत्न बन गया, उसको वो अपने टाइटल में यूज़ कर रहा है, तो ये चीज़ें गलत है।
एक्सेप्ट मिलिट्री वाले कर सकते हो, एकेडमिक लेवल पे कर सकते हो पढ़ लिख के जो आपने अचीव किए हैं, लेकिन और दूसरे टाइटल्स आप साथ में एसोसिएट अपने नहीं करते तो उसको भी अबॉलिश करा आर्टिकल 18, क्योंकि कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी सी होगी, तो ये भी इंक्लूड हो। यहाँ ख़त्म होता है अपना राइट टू इक्वालिटी। अब बात करते हैं हम दूसरे राइट की, ठीक है। अब ये सारी पता है ये रिजर्वेशन इसीलिए की ना क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी ऑलरेडी है, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब रिजर्वेशन तो एक तरीका हो गया देखो डिसएडवांटेज लोगों को प्रोटेक्ट करने का, इसके अलावा भी तो और तरीके होते हैं ना, जरूरी रिजर्वेशन से ही होएगा। दूसरे तरीके होते हैं, कई स्कीम्स ले आए हम, है ना, जनधन योजना आ गई, लड़कियों के लिए कुछ आ गई, मटरू योजना आ गई, पोषण अभियान आ गया, बहुत सारी चीज़ें होती है, पेंशन स्कीम्स आ गई, प्रोवाइड करा रही है ना प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आ गई, तो चिल्ड्रन के लिए भी स्कीम्स होती है, वुमन के लिए भी कोई लॉज ऐसे बना दिए, देखो एससीज के लिए, एसटीज मतलब शेड्यूल ट्राइब जो आदिवासी लोग होते हैं, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गई, जो ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो पैसे से थोड़ा वीक है, इन सब के लिए अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग एक्ट्स, मेजर्स लिए जाते हैं, वो भी प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। तो ये मेजर्स गवर्नमेंट ले सकती है कि इक्वालिटी हो पाए असली मायने में, इसीलिए रिजर्वेशन को इन सब बातों के बेसिस पे हम वॉयलेशन नहीं मानते राइट टू इक्वालिटी। अब ये तो हमने इक्वालिटी का पूरा कर लिया जो भी राइट्स है 14 टू 18 तक। अब बाकी के 7 टोटल जो राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 तक, दूसरा पढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं ना बाकी कितने हैं। राइट टू फ्रीडम है जो कि आर्टिकल 19 से 22 तक है, ये सारे पार्ट 3 का हिस्सा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था ना कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को इंक्लूड करता है जिसमें ये सारे आते हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स हैं, पहले 8 थे, ये वाला जो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये पहले फंडामेंटल राइट था लेकिन अब नहीं है, ये एक लीगल राइट बन चुका है, अभी आगे बताऊंगी इसका भी क्या है, क्या प्रोसेस हुआ था, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है आर्टिकल 23 और 24, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 और 26, 27, 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड है, कल्चर और एजुकेशन से रिलेटेड जो राइट्स है वो आ गए आर्टिकल 29 और 30 में, आर्टिकल 31 हमने देख लिया, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बहुत इंपॉर्टेंट राइट है जिनसे इन राइट्स को मायने मिलते हैं बाकी राइट्स को, वरना इनका होने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर लास्ट वाला 32 आर्टिकल ना हो, बताते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट राइट पे, ठीक है। अब फ्रीडम की बात करते हैं, इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं बराबर चीज़ों की और फ्रीडम की, क्या ये दोनों अलग अलग अगर हों कि कहीं पे इक्वालिटी और फ्रीडम नहीं है तो क्या रियल सेंस में दोनों के कोई मायने है अलग अलग? इक्वालिटी है तो फ्रीडम भी होनी चाहिए तभी तो इक्वालिटी हो पाएगी, और फ्रीडम है तो इक्वालिटी भी होनी चाहिए, दोनों साथ साथ चलते हैं ना, ऐसे नहीं है एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दोनों कहीं ना कहीं हमेशा साथ ही आपको एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे। तो इक्वालिटी फ्रीडम दो मोस्ट एसेंशियल राइट्स है डेमोक्रेसी के लिए, तभी तो डेमोक्रेसी लोकतंत्र है ना, अगर इक्वालिटी दे रहे हैं मान लो फ्रीडम भी दे रहे हैं, किस बात का लोकतंत्र है भाई, कहीं ना कहीं तो इनजस्टिस है ही ना, और फ्रीडम दे दी इक्वालिटी नहीं दी, क्या क्या ही वो तुमने डेमोक्रेसी कर दी, तो कोई मायने है डेमोक्रेसी के नहीं ना, तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, और एक के बिना दूसरे को सोच ले, दूसरे के बिना तीसरे इसको सोच ले इक्वालिटी को, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अब लिबर्टी का मतलब ये तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ी है, मैंने वीडियो भी डाली हुई है उसमें, पता होगा लिबर्टी का मतलब है भाई कुछ भी सोचने की फ्रीडम, चाहे वो सोच के हो, कोई एक्शन लेने की फ्रीडम हो, कोई एक्सप्रेशन, लेकिन ये इतना खतरनाक राइट भी हो सकता है, अगर ये एब्सोल्यूट होता तो लोग तो कुछ भी कर रहे होते, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, थॉट कोई भी कुछ भी सोच सकता है, कोई भी एक्सप्रेस कर सकता है किसी को, कोई भी एक्शन ले सकता है, लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शन। अब राइट टू फ्रीडम की जब हम बात करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कोई भी कुछ भी कर लेगा, कुछ ऐसे काम कर लो कि दूसरों की फ्रीडम ही छिन जाए भाई। अब मान लो कोई बंदा है मर्डर करना चाहता है और दूसरा बंदा ही जिसका मर्डर करना चाहता है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, उसकी फ्रीडम तो गई, तो ये तो दूसरे के राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं है जो मर्जी करोगे, और दूसरों की फ्रीडम को थ्रेटन ना करो, लॉ और ऑर्डर की रिस्पेक्ट करो, तब उस हिसाब से फ्रीडम का राइट आप प्रैक्टिस इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। दूसरों के राइट्स रिस्पेक्ट करो। अब फ्रीडम ऑफ ये राइट टू फ्रीडम में पहला जो आर्टिकल है आर्टिकल 21, पहला इससे पहले वो है 1920, वो भी पढ़ेंगे, पहले 21 आर्टिकल पढ़ लेते हैं जो कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब लाइफ जीने का अधिकार देता है, पर्सनल लिबर्टी मतलब सबको अपनी पर्सनल फ्रीडम है कुछ चीज़ें करने की, जैसे कि राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ देयर ओन चॉइस, जिससे आपको शादी करनी है उसके आपके पास फ्रीडम है कि आप इस बंदे से शादी करना चाहते हो, आपको मना नहीं कर सकता अगर आप अडल्ट हो, आपकी खुद की पर्सनल फ्रीडम है कि कोई फोर्स में आपको नहीं करवा सकता,
राइट टू लाइफ जीने का अधिकार ये देता है आपको। अब राइट टू लाइफ ऐसी एक टॉपिक है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जीने के लिए देखो घर भी ज़रूरी है और अच्छा इन्वायरमेंट भी ज़रूरी है, बेसिक चीज़ें फूड वगैरह, सैनिटेशन, साफ सफाई, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, तो ये सब इस चीज़ के अंदर आ जाती है, हैं आर्टिकल 21 ये चीज़ें बताता है। और लिबर्टी ना डिनाइड नहीं करी जाती, सिर्फ अगर लॉ ने ऐसा बोल दिया कि इस चीज़ की लिबर्टी आपको नहीं है। जैसे ट्रिपल तलाक है, लिबर्टी थी ना भाई, जैसे शादी कर सकते हैं ऐसे छोड़ भी सकते हैं तीन तलाक बोल के, लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज़ें गलत है उस पर लॉ लाई गवर्नमेंट, उसको इलीगल करा, तो लॉ अगर वो चीज़ बोल रहा है तो पर्सनल लिबर्टी पे रिस्ट्रिक्शन लग सकती है, अदरवाइज पर्सनल लिबर्टी तो चीज़ों में है ही। ठीक है, अब लाइफ की बात करते हैं, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि बस जीने का अधिकार हो, उसमें ह्यूमन डिग्निटी से जीना, इज्जत के साथ जीना, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी के साथ कुछ गलत शोषण ना हो, उस हिसाब से जी सकते हैं। राइट टू शेल्टर, एक छत होनी चाहिए, प्राइवेसी होनी चाहिए, एजुकेशन का अधिकार होना चाहिए। अभी तो लाइफ जीने के मायने ऐसे क्या आते, तो सभी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े भी जी रहे हैं, मगर ज़िंदगी जीने की कुछ वो भी तो है ना, ज़रूरत की चीज़ें वो भी होनी चाहिए, तो वो राइट्स हैं लोगों के पास, साफ इन्वायरमेंट हो, पॉल्यूशन फ्री जगह हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये राइट्स में इंक्लूडेड है। और ये जो स्कोप है ना, इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ये सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम जजमेंट्स लाता रहता है और क्लैरिफाई चीज़ें होती रहती है, तो नेवर एंडिंग खैर प्रोसेस है। अब बात आती है आर्टिकल 21, आपने समझ लिया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब राइट आर्टिकल 19 की बात करते हैं, वो भी राइट टू फ्रीडम ही बताता है, किस टाइप की फ्रीडम से वो डिफाइन करता है। जैसे साउथ अफ्रीका ने डिफाइन करी थी ना डिस्क्रिमिनेशन वाला सिस्टम, यहाँ पे फ्रीडम डिफाइन करता है आर्टिकल 19 किस किस चीज़ की, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहली बात तो कोई भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर स्पीच देना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है, तो वो दे सकता है, कोई उसे रोकेगा नहीं। लेकिन इसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि कोई ऐसी वो स्पीच ना दे दे जिससे दंगे हो जाए, किसी की डिसरिस्पेक्ट हो जाए, वुमन के बारे में कुछ गलत बोल दे, मतलब ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, शांति ना बनी रहे एक देश में, ऐसी स्पीचें नहीं दे सकता। इसको कोई कुछ भी गालियाँ बकेगा भाई, गलत है ना, लेकिन स्पीच अगर सही चीज़ों पे वो दे रहा है तो वो दे सकता है स्पीच, उसका अपने व्यूज़ रख सकता है, मतलब वो किसी भी चीज़ को लेकर। और टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब अगर हथियार के बिना आप इकट्ठे हो रहे हो कहीं पे किसी चीज़ के लिए या जैसे भी शांतिपूर्वक, तो आपको फ्रीडम है ये चीज़ करने की, लेकिन आप हथियारों के साथ खड़े हो रहे हो, ये तो डेंजर हो सकता है ना भाई, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है। लेकिन पीसफुली विदाउट आर्म्स ये अलाउ करता ही रहे। ये पता है क्यों किया, क्योंकि पहले जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे पांच लोग इकट्ठे होना भी उन्होंने मना कर दिया था एक टाइम पे, उन्हें लगता था हमारे खिलाफ कुछ प्लान कर लेंगे, क्या पता योजना बना ले हमें मिला के बात भगाने की, तो मना कर दिया था इकट्ठे होने के लिए, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करा था ये चीज़। और एसोसिएशन ग्रुप्स बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में, जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं कोई काम करने में, ग्रो करने में, तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। पूरी थ्रू आउट इंडिया हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं इंडिया के किसी भी पार्ट में। कोई भी बंदा अगर यूपी का है, वो कन्याकुमारी में जाके केरला में जाके रहना चाहता है, तो वो रह सकता है, कोई रुकेगा नहीं, इंडिया के अंदर कहीं भी सिटीजन जा सकता है, उसका राइट देता है ये आर्टिकल 19 प्रोवाइड कराता है। कोई भी रिलीजन भी प्रैक्टिस कर सकता है, वो आगे दूसरा राइट है इसी फ्रीडम के अंदर। अब प्रोफेशन कोई भी वो प्रैक्टिस करता है, जैसे कि आपका मन है टीचर बनने का, आप तैयारी करो आप बन जाओ, आपका मन है कुछ और ऑक्यूपेशन करने का, बिजनेस करने का, कोई आपको रुकेगा नहीं, आप कर सकते हो, अनलेस इट इज़ इलीगल बिजनेस है, इलीगल काम, तो रिस्ट्रिक्शन तो सब पे ही है कुछ ना कुछ, लेकिन ये सारे बेसिक ओवरऑल राइट्स है आर्टिकल 19 जो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब आता है 21, हमने 19 पढ़ लिया है, हमने 21 कर लिया जो कि पर्सनल लिबर्टी एंड लाइफ की बात करता है, और आर्टिकल 20 अभी करेंगे, पहले उससे पहले कर लेते हैं 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। अब एक बात बताओ, जो बंदा अरेस्ट हो गया, क्राइम कराया या जो भी बात है, डिटेंशन भी मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है, तो उनके भी तो कुछ राइट्स हैं ना, उनको भी पता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स प्रोवाइड कराता है। कौन से राइट्स, देखो मैं बताती हूँ, नो अरेस्ट विदाउट बींग टोल्ड द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अगर किसी बंदे को अरेस्ट किया है और उसे बताया नहीं जी आपको क्यों अरेस्ट किया है, तो ये गलत है। हमारा राइट आर्टिकल 22 बोलता है कि आपको बताना पड़ेगा आपने ये किया है इसलिए आपको अरेस्ट किया जाएगा, एक तो ये बात आ गई। दूसरा, उसको राइट मिला हुआ है कि वो लॉयर अपने लिए हायर कर सकता है, लॉयर को अप्रोच कर सकता है कि वो उसको डिफेंड करे, उसके पास राइट है वकील को लाए और जो उसको प्रोटेक्ट करे। तीसरी बात ये कि पुलिस के लिए ये ज़रूरी है कि जिस भी पर्सन को वो अरेस्ट कर रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर पास के ही जो मजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश करे, ताकि वो बताए कि इसके जो अरेस्ट हुआ है ये सही है या नहीं है, तो उस हिसाब से वो आगे का प्रोसीजर करते हैं।
तो 24 घंटे के अंदर अंदर ये चीज़ हो जानी चाहिए। तो ये दो राइट्स मिलते हैं अरेस्टेड पर्सन को, ठीक है। अब बात आती है डिटेंशन की। डिटेंशन मतलब किसी को डिटेन कर अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसको उसने कुछ क्राइम अभी तक किया नहीं है, उस पर शक है कि ये कुछ गलत काम कर लेगा, इससे हार्म पहुँच सकता है हमारी नेशन को, सोसाइटी को, मतलब बंदे पे शक है कि किसी को मार देगा या कुछ भी बात है, यही कुछ इलीगल एक्टिविटी कर देगा, तो उसको अरेस्ट कर लिया। प्रिवेंशन होता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। कोई क्राइम हो उससे पहले ही बंदे को अरेस्ट कर लो जिस पे डाउट है, तो उसे बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब डिटेंशन वाले बंदे को भी एक राइट है कि 3 महीने तक ही हो सकती है ये डिटेंशन, बस ये नहीं है कि कितने भी अनलिमिटेड टाइम के लिए किसी को बिना बताए ऐसी वो शक के बेसिस पे रखा हुआ है, 3 महीने तक चलता है। ऑर्डिनरी प्रोसीजर के हिसाब से जैसे अरेस्ट होता है तरीके से, जो लॉ के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप वो तो होता ही है, लेकिन डिटेंशन के मामले में बिना उस प्रोसीजर को फॉलो करें हम अरेस्ट कर सकते हैं बंदे को शक के बेसिस पे कि कहीं को आगे चल के इलीगल एक्टिविटी ना करनी, और किस बेसिस पे कि कोई ऐसा काम कर देगा जो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करेगा, शांति हमारी नेशन की ख़राब हो सकती है, सिक्योरिटी को कोई हार्म हो सकता है इस बंदे से, तो उन बेसिस पे हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं। और 3 महीने मान लो बीत गए किसी को अरेस्ट कर लिया, उसके बाद ये किया जाता है एडवाइजरी बोर्ड के पास, जो आगे का प्रोसेस बताता है या जो बताता है कि डिटेंशन के आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, और जो भी आगे का प्रोसेस है वो बताता है एडवाइजरी बोर्ड। तो ये बात हो गई, आर्टिकल 22 बात करता है अरेस्टेड पर्सन के राइट की, ठीक है। और कई बार ना बताया ऐसा होता है कि जो लोग क्राइम नहीं भी कर रहे होते लेकिन गवर्नमेंट को शक है, मान लो पुलिस को शक है, वो उसको जेल में कर देगी, इसलिए कई बार मिसयूज़ भी कर लेती है गवर्नमेंट, तो कॉन्स्टेंट टेंशन चलती रहती है। राइट टू लाइफ एक तरीके से, हमने राइट टू लाइफ की बात करी कि पर्सनल लिबर्टी है, जीने का अधिकार है सबको, लेकिन अगर हम किसी बंदे को शक के बेसिस पकड़ के ले आए तो ये वाला राइट खराब है, वो हो रहा है ना वॉयलेट, कि किस बात तुम तो मुझे जीने नहीं दे रहे भाई, मेरी पर्सनल लिबर्टी कहाँ गई, मेरे को बिना बताया तुम उठा के जेल में डाल रहे हो 3 महीने के लिए बस शक के बेसिस पर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं अभी, कहाँ से हुई है भाई फ्रीडम उसकी, ये राइट खराब हो रहा है उसका, वॉयलेट हो रहा है। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस हैं भाई, गवर्नमेंट को शक था तो उसने आर्टिकल 22 का इस्तेमाल किया और आपको उठा लिया, आर्टिकल 22 कह गवर्नमेंट को लगा उसने उठा लिया आर्टिकल 22, अब आपके पास है कि 3 महीने तक की रख सकते हो भाई बस, और लॉयर भी आप वो हायर कर सकते हो अगर अरेस्ट वैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें वैसे भी कर सकते हो, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और ये जो डिटेंशन वाला राइट है, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की भाई, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अब देखिए, जिस बंदे का पता चल गया कि इसने तो भाई क्राइम कर दिया, ऑफेंस कर दिया इसने, उसको भी पता है प्रोटेक्शन मिलती है, इस 21 राइट प्रोवाइड कराता है। 22 में भी हमें पता चल गया क्या होता है, 20 वाला राइट नहीं करा ना अभी हमने, 21 कर रहे हैं। देखो, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जिस बंदे ने क्राइम कर दिया, अक्यूज्ड है जो बंदा, उसको राइट्स क्या क्या मिल रहे हैं कि नो पर्सन वुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। एक बार ही जो उसने क्राइम कर दिया उसकी उसको सजा मिल गई, जितनी भी उसमें जरूरत प्रोविजन है इतना, इसका क्राइम को करने पे आपको ये सज़ा मिलेगी, वो उसने कर दी और उसने जेल भी कर ली, उसकी जो भी पनिशमेंट थी वो भी पूरी हो गई। तो ये नहीं है जब गवर्नमेंट का मन करेगा दोबारा उसी क्राइम के लिए उसको वापस अंदर कर दिया, नहीं, अगर तक अनलेस वो दोबारा वही चीज़ नहीं कर रहा, ठीक है। अगर एक बार ही सज़ा मिल गई तो बस हो गया ख़त्म, दोबारा नहीं उसी चीज़ के लिए आके उसको पीटेंगे। दूसरी बात क्या राइट है, नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम अ बैक डेट। देखो, मान लो कोई चीज़ अब इलीगल है और पहले इलीगल नहीं थी 2 महीने पहले, और किसी बंदे ने 2 महीने पहले वो चीज़ करी, तो आज जाके मैं उसको अरेस्ट ही कर लूँगी, क्योंकि भाई आज ही इलीगल हो गई, तूने तो 2 महीने पहले ये किया था, अब तू जेल में आ जाए। जैसे मान लो आज मैंने पटाखों पे बैन लगा दिया, अब हमने तो पटाखे पहले जलाए हुए, अब हमें जेल में डाल दिया मान लो, तो ये तो गलत है। तो कोई भी बैक डेट से लॉ अगर एक्शन किया गया है तो कोई भी लॉ उसको इलीगल नहीं मानेगा। तीसरी बात है ना, देखो एक बार क्राइम कर लिया तो वो तो पहले करा था ना, आप पहले लॉ ले आते, तो ये चीज़ें हैं राइट्स। नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। अच्छा, कोई भी बंदा है जिसने क्राइम किया उसको ही नहीं बोलेंगे तू अपने ही खिलाफ सबूत दे के तूने ये करा है, ये तो गलत है ना भाई। कोई क्यों उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, तुम बोल दे फोर्स करके हाँ कि ये मैंने करा है, चाहे वो ये नहीं कर सकते आप कि एविडेंस दो, चलो आप ही तो थे चश्मदीद गवाह, आपने मारा है और किसी की हमें क्या ज़रूरत है, आप खुद बता दो आपने देखा, आप ही एविडेंस अपने लिए, तो ये नहीं हो सकता। तो ये तीनों चीज़ें ही आर्टिकल 21 प्रोवाइड कराता है, जिसका क्राइम प्रूफ हो चुका है कि इसने गलती करी है
उसको ये राइट्स देता है, प्रोटेक्शन देता है। अब ये बात हो गई अपनी ये वाली, आर्टिकल 21 हमने कर लिया, आर्टिकल 22 हमने कर लिया, आर्टिकल 19 हमने कर लिया है और आर्टिकल 21 कर लिया, राइट टू फ्रीडम के अंदर ये सारे राइट्स आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आप ये करेक्ट कर लेना, ये वाला जो हमने बात करी है ना राइट अक्यूज के राइट की, आर्टिकल 20 है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में कि क्या क्या हमने अभी तक करे हैं राइट्स, तो क्लैरिटी हो जाएगी आपको। देखो इक्वालिटी की थी 14 से 18 तक ना, तो 14 बोलता था इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 कहता था नो डिस्क्रिमिनेशन। 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल टू ऑल। ठीक है, 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, अब बात आ गई राइट टू फ्रीडम की। 14 से 18 तो खत्म हो गए ना, फ्रीडम में पहले आया अपना 19 वाला क्या कहता है राइट टू फ्रीडम, ये सारी फ्रीडम्स है ये बोलता है वो। फिर बात आती है 20 की, 20 वाला राइट क्या कहता है अपना, 20 वाला राइट कहता है प्रोटेक्शन मिलेगी जिसने अक्यूज्ड है जो उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, ये 20 वो कहता है। 21 कहता है अपना के भाई लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलेगी, 21 कहता है। फिर आती है 22 पे, 22 कहता है कि अरेस्ट करने के लिए आपको प्रोटेक्शन है, अरेस्ट हो गया तो कोई उसके उससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को, डिटेंशन की कुछ प्रोविजंस है वो है आर्टिकल 22 में। बात हो गई है राइट टू फ्रीडम की। अब बात आती है ये राइट टू फ्रीडम खत्म हो गया, राइट टू इक्वालिटी खत्म हो गया, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं जिसके अंदर दो राइट्स आते हैं, एक तो आर्टिकल 23 एक आर्टिकल 24। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण करना किसी का, एक्सप्लॉयटेशन करना बुरी तरीके से उसको परेशान करना। तो 23 क्या कहता है, प्रोहिबिट करता है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक मतलब वो जाम नहीं, ट्रैफिक जाम नहीं, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मतलब लोगों का ट्रेड करना, लोगों को बेचना एक जैसे दूसरी जगह, इलीगल लड़कियों को बेच देते हैं ना किडनैप कर करके, तो उस पर रोक लगाई गई। और मजदूरों को भी बेच रहे हैं, स्लेव लेबर करा रहे हैं, फोर्स लेबर बिना पैसे दिए काम करा रहे हैं किसी से, स्लेव सिस्टम बंद हुआ, मजदूर वाला सिस्टम, ये सब चीज़ें बंद करी किसने, आर्टिकल 23 ने। ये तो आगे इसके अंदर ट्रैफिकिंग ना हो इलीगल, लोगों की तस्करी, मानव तस्करी पे बैन किया। आर्टिकल 24 की अब हम बात कर लेते हैं, ये क्या बोलता है, प्रोहिबिट क्या किया इसने, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्डस जॉब, मतलब जो भी बच्चे हैं उनको खतरनाक जॉब्स में एम्प्लॉयमेंट नहीं, से काम नहीं करवाया जाएगा। देखो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में टीवीज में एक्टर्स देखते बच्चे, वो तो ठीक है, वो तो लीगल है, लेकिन आर्टिकल 24 कहता है कि जो भी हानिकारक चीज़ है, हानिकारक जॉब है, उसमें बच्चे नहीं होने चाहिए 14 साल से लेके नीचे के। ठीक है, जैसे कि फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गई, कोयले की खाने वगैरह माइंस, उन सब चीज़ों में बच्चों को नहीं रखा जाएगा, क्योंकि भाई एक तरीके से अगर हम उनको एजुकेशन का राइट दे रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं कि काम भी करो, तो ये क्या दोनों ही में से कोई भी चीज़ हो पाएगी ढंग से? तो तरीके से एक सारी राइट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो 24 बोलता है कि नो चाइल्ड लेबर, 23 बोलता है नो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। चाइल्ड लेबर की बात होगी तो आर्टिकल 24, और चाइल्ड किसको माना गया है आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 14 साल से नीचे के बच्चे। ठीक है, अब बात आती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, जिसको हॉलमार्क ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया, B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था ये तो डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है भाई। ठीक है, रिलीजन की फ्रीडम है भाई, जो चाहे वो कर सकते हो, आप रिलीजन को फॉलो, कोई आपको ज़बरदस्ती, नो फोर्स कन्वर्जन। पहले तो पता है ज़बरदस्ती भी कर देते थे कई जगहों पे, मुगल टाइम पे जो रूलर्स थे उन्होंने अपने ज़बरदस्ती करके लोगों को कन्वर्ट कराया, मतलब ये सब चीज़ें पास्ट में हो चुकी है, इसलिए अब जाके ये सारे राइट्स हैं। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब कोई भी आपको ज़बरदस्ती अपने रिलीजन में कन्वर्ट नहीं करवा सकता, वो इलीगल है, आप अपने मन से करोगे वो ठीक है, लेकिन फोर्सफुली नहीं करवा सकते। अब बात करते हैं 24 तो हमने कर लिया, अब फ्रीडम के अंदर आता है आर्टिकल 25। पहले तो वो कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ये सारे रिलीजन से रिलेटेड है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। पहली बात तो किसी भी रिलीजन को लेकर आपकी जो धारणाएं हैं, जो आप सोचते हो, साइंटिफिक थिंकिंग है जो आपकी, वो आपको फ्रीडम है रखने की, जो भी आप उसके बारे में सोचते हो, आप खुलेआम किसी भी रिलीजन को स्वीकार कर सकते हो कि मैं इस रिलीजन को फॉलो करता हूँ, आप दावे के साथ उसको बोल सकते हो कि मैं इस रिलीजन से बिलोंग करता हूँ, वो गलत नहीं है। आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको, प्रचार कर सकते हो अपने रिलीजन का, प्रचार फोर्सफुल वो नहीं कि कन्वर्ट कर लो, प्रचार कर सकते हो, कोई नहीं रोक रहा आपको उससे, बस इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हर राइट पर रिस्ट्रिक्शन है। अब मान लो ये राइट आपको दे रहा है कि प्रैक्टिस करो रिलीजन को, लेकिन कोई कोई ऐसी गलत प्रथाएँ होती है, जैसे कि भाई ये मुस्लिम लॉज में ये हुआ था कि भाई ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, जो कि इलीगल है, गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा के हटा दिया उसे, ऐसी हिंदूज का सती प्रथा चलती थी, इलीगल है,
अनटचेबिलिटी वाली सिस्टम हटा दिया, तो रिलीजन कोई भी हो, अगर उसमें कोई भी गलत चीज़ है तो गवर्नमेंट उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। अब ये तो आपको पता चल गया, ये वाली फ्रीडम मिली हुई है कंसाइंस की, प्रोफेशन की प्रैक्टिस, वो प्रोफेशन ये वाला है स्वीकार करना और दावे के साथ कहना कि हम रिलीजन से बिलोंग करते हैं। रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट किस बेसिस पे लगाती है भाई रिलीजन के अंदर, फ्रीडम के अंदर रिलीजन से रिलेटेड, के पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, कोई ऐसे आपने रीत बनाई हुई है जिससे लोगों को जो शांति बनी है वो खराब हो, मोरालिटी मॉरल तरीके से गलत है कोई चीज़ मान, हेल्थ पे इफेक्ट है। जलीकट्टू वाला फेस्टिवल है ना जिसमें बुल्स के साथ वो होता है, तो कई बार कितने वो होते हैं तो इशूज कोर्ट में भी केस चलते हैं कि भाई एक तरीके से एनिमल के साथ गलत हो रहा है। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं ऐसी जो कि गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन कर सकती है। ह्यूमन सेक्रीफाइस होते थे पहले, लोगों की बलि दी जाती थी, लेकिन गलत है ना, चाहे फ्रीडम के नाम पे कुछ भी गलत तो नहीं कर सकते ना रिलीजन के उस पे आके। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं तो इंटरवीन करेगी, घुसेगी गवर्नमेंट, चाहे सेक्युलर कंट्री हो कुछ भी हो, गलत करोगे तो वो रोकेगी गवर्नमेंट। आर्टिकल 25 की ये बात हो गई। अब आर्टिकल 26 कहता है कि आपका रिलीजन अफेयर्स जो भी है, रिलीजियस अफेयर्स मतलब जो भी रिलीजन से रिलेटेड आपके काम है, वो आप आराम से आपको फ्रीडम है आप मैनेज कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। जैसे गुरुद्वारा मैनेज कर सकते हैं सिख, कोई रोकेगा थोड़ी, फ्रीडम है भाई। आर्टिकल 27 फ्रीडम फॉर टैक्स फॉर प्रमोटिंग अ रिलीजन, मतलब कोई भी रिलीजन का प्रचार कर रहे हैं मान लो, उस पर टैक्स नहीं लगेगा आपको। हाँ फीस लग सकती है आपको पर्टिकुलर, लेकिन टैक्स नहीं लगेगा, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी आपको रिलीजन के नाम पर। आर्टिकल 27 ये बोलता है। 28 बोलता है फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कहीं भी मान लो कोई गवर्नमेंट का स्कूल है, वहाँ पे कोई हिंदू धर्म से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दी जा रही है और वहाँ पे मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं, तो मुस्लिम बच्चे के पास राइट है कि वो मना कर पाए कि नहीं भाई मैं नहीं मानता इस चीज़ को, मैं नहीं जाना चाहता, यही सेम हिंदू पे बिलोंग करती है। लेकिन ये चीज़ें पता है किस इंस्टीट्यूशन, हर इंस्टीट्यूशन में नहीं, उस इंस्टीट्यूशन में जिसकी गवर्नमेंट का कुछ पार्ट है या गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन है। प्राइवेट वाले तो भाई कराएंगे आई क्यों फिर आप हमारे उसमें, आपको तो पहले ही पता है हमारी इस्लामिक ये इंस्टीट्यूट है तो आपको तो फॉलो करना पड़ेगा, तो प्राइवेट वाले में चॉइस है उनके पास फॉलो कराने की। लेकिन गवर्नमेंट का जहाँ रोल आ जाता है वहाँ पे आपके पास फ्रीडम है कि रिलीजन इंस्ट्रक्शन आपको अटेंड करनी है या नहीं। आर्टिकल 28 ये बताता है आपको, ये रिलीजन की बात हो गई, ये जितने भी रिलीजन से रिलेटेड राइट्स थे 25 से लेकर 28 तक, ये इक्वालिटी ऑफ रिलीजन की बात करता है इस तरीके के, सारे रिलीजन बराबर है। वैसे भी इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, हमारी इंडिया का कोई भी एक रिलीजन नहीं है, ये धर्म निरपेक्ष कंट्री है। हिंदू रिलीजन ही सिर्फ इंडिया का एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, ना सिख रिलीजन है, ना मुस्लिम रिलीजन, कोई नहीं, रिलीजन सब बराबर है इंडिया में, सेक्युलर कंट्री है, नो ऑफिशियल रिलीजन, सब रिलीजन बराबर है सरकार की नज़र में, ठीक है। जब भी तो सारी इतनी डाइवर्सिटी है, एक को देना तो इनजस्टिस है, अपने यहाँ पे हर रिलीजन की रिस्पेक्ट है, सेक्युलर कंट्री, ना कि अनलाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान में क्या इस्लामिक कंट्री है, वो बोलते हैं हम इस्लामिक है, सेक्युलर नहीं है वो, मुस्लिम कंट्री है अपनी इंडिया, लेकिन क्या है, सेक्युलर कंट्री। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की बात करते हैं, कल्चर से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड, जैसे कि आर्टिकल 29 एंड 30। अब 29 और 30 क्या बोलता है भाई, देखो इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, ये तो हमें पता है, अलग अलग जातियों के अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है इंडिया में, एक तरीके से ये स्ट्रेंथ ही है ना, इतने सारे लोग हैं, इतनी डाइवर्सिटी, फेस्टिवल्स हैं, तो इसकी रिस्पेक्ट होए, राइट्स होए सब लोगों के पास, उस तरीके से वो चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने इंश्योर की है। अब ना पता है इतनी डाइवर्स कंट्री में जो कुछ लोग जो कम मात्रा में है, जैसे पारसीज कम्युनिटी हो गई, वो बहुत कम मात्रा में लोग हैं, जैन्स हो गए बहुत कम है वो नंबर्स में, हिंदू ज़्यादा हैं, मुस्लिम भी कम है इंडिया में, पाकिस्तान में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है लेकिन इंडिया में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, पारसी माइनॉरिटी में है। तो ये माइनॉरिटी उसे कहते हैं जो कम नंबर में होते हैं सेक्शंस, ठीक है, सोसाइटी के अंदर। अब ये माइनॉरिटी बस इस बेसिस पे नहीं हो कि रिलीजन, ये वाला रिलीजन कम है तो ये माइनॉरिटी है, अगर कोई लैंग्वेज बोलने वाली भी कम्युनिटी कम है तो वो भी माइनॉरिटी में, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी बोला जाएगा उसको, लैंग्वेज से रिलेटेड अगर उसे माइनॉरिटी मान रहे हैं तो, रिलीजन के बेसिस पे मान रहे तो रिलीजियस माइनॉरिटी, और कल्चर कोई फॉलो करते हैं लोग तो वो कल्चर वाले लोग कम है तो कल्चरल माइनॉरिटीज, ठीक है, माइनॉरिटी समझ आ गया कौन होते हैं जो कम नंबर में होते हैं, रिलीजियस भी हो सकती है माइनॉरिटी, वो लिंग्विस्टिक भी हो सकती है और कल्चरल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला 29 आर्टिकल प्रोवाइड कराता है, माइनॉरिटीज हैव द राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर लैंग्वेज कल्चर एंड देयर ओन स्क्रिप्ट, मतलब राइट देता है कि वो जो उनका जो भी कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करके रख पाए, उनसे वो छिन ना जाए, उनके पास फ्रीडम है, कोई भी गवर्नमेंट ऐसे एक्शंस लाती है कि उससे इन चीज़ों का पे थ्रेट आ रहा है, ये चीज़ चली जाएगी तो वो बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं गवर्नमेंट से, और अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो भी वो बोलता है भाषा,
कल्चर को प्रोटेक्ट, स्क्रिप्ट जो भी वो लिखते हैं, कोई कैसी लैंग्वेज लिख रहा है, कोई कैसी भाषा को किस तरीके से लिख रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने का राइट है माइनॉरिटी के पास. ठीक है, आर्टिकल 29 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के जो भी इंटरेस्ट है, जिसके अंदर कौन सा राइट आता है, अपने माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वो इस्टेब्लिश कर सकता है. मतलब इस लैंग्वेज की इंस्टीट्यूशन, मदरसे वगैरह होते हैं ना माइनॉरिटीज की इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पर वो पढ़ाते हैं मुस्लिम चीज़ें, है ना, ऐसी बहुत सारे वो क्या कहते हैं सिख्स की, जो सिख है वो भी अपनी इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, स्कूल खोलते हैं, जो सिख स्कूल्स होते हैं जहाँ पे वो अपनी रिलीजियस टीचिंग्स देते हैं. इंडियंस के ऐसे होते हैं बहुत सारे गुरुकुल्स, तो मतलब अपने उनके पास राइट है माइनॉरिटीज़ के. लेकिन यहाँ माइनॉरिटीज़ की बात हो रही है, मेजॉरिटी की नहीं. अब ये तो बात हो गई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की इस्टेब्लिश करने की, आर्टिकल 29 करता है. अब आर्टिकल 30 क्या बोलता है, वो कहता है भैया इस्टेब्लिश तो कर सकते हो आप हैं, और एडमिनिस्टर भी कर सकते हो अपनी इंस्टीट्यूशन को, अपने हिसाब से चला सकते हो भाई, कैसे आपको क्या करना है अपने इंस्टीट्यूशन में. तो ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, यही आते हैं इसमें कल्चरल और एजुकेशन राइट्स में. कल्चर भी है इससे रिलेटेड, एजुकेशन भी. अब आर्टिकल 31 की बात करते हैं, जो मैंने आपको बताया था पहले ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन अब ये लीगल राइट है. और किस आर्टिकल ने ये चीज़ करी, 44th अमेंडमेंट. मैंने बताया था ना आपको, फंडामेंटल राइट को जब भी चेंज करना हो, हटाना हो, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदलना पड़ेगा, उसी में अमेंडमेंट लानी पड़ेगी. तो 44th अमेंडमेंट 1978 में एक्ट आया, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा के क्या कर दिया, लीगल राइट, जो कि एट प्रेजेंट है. अब कौन सा आर्टिकल में आ जाता है, ये 300A में. क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो 14 से स्टार्ट होते हैं, 32 पे ख़त्म हो जाते हैं, और 300A है ये लीगल राइट, अदर राइट्स में आ जाता है. 32 की बात अब हम करें, तो मैंने क्या बोला था आपको, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. B.R. अंबेडकर जी ने ये कहा कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन का दिल और आत्मा है, इसके बिना बाकी के राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन कुछ मैटर नहीं करता, अगर ये नहीं है तो. अब बताती हूँ क्यों. कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, मतलब मान लो आपको सारे राइट्स मैंने दे दिए, जितने भी है ये सारी बातें कर ली, अच्छी अच्छी, लेकिन आप इसके खिलाफ कहीं जा ही नहीं सकते हो, आपके राइट वायोलेट हो रहे हैं, आपको पता है ये हमारे पास अधिकार है भाई, ये वायोलेट रहे, लेकिन अगर आप इसके खिलाफ कहीं जा ही नहीं सकते, कोई एक्शन नहीं ले सकते, तो क्या उस राइट्स का कोई फ़ायदा है, नहीं है ना. तो ये वाला राइट वो रेमेडीज प्रोवाइड करता है कि अगर आपके साथ ये वायोलेशन हुई है तो ये इसकी रेमेडी है भाई, ये उसका वो है क्योर, ऐसे आप इस चीज़ के खिलाफ बोल सकते. तो ये आर्टिकल 32 करवाता है, इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने इसको ये टाइटल दिया. सिर्फ लिख दूँ राइट और कुछ वो प्रैक्टिस ही ना हो पाए, सच में आ ही ना पाए, लोग बचा ही ना पाए खुद को, तो क्या फ़ायदा फिर. तो आर्टिकल 32 कहता है राइट टू सिटीजन टू अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. जब भी लगे कि कोई राइट उसका उल्लंघन हो रहा है, वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, फंडामेंटल राइट बोल सकता है कि हमारे ये वापस से वायलेट होने से बचाओ, रिस्टोर करो. और सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास राइट देता है ये कॉन्स्टिट्यूशन कि वो ऑर्डर्स इशू कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है गवर्नमेंट को कि आप ऐसे करो ऐसे करो, ये राइट्स को इन्फोर्स करवाओ, लेकिन इसको उल्लंघन आप नहीं करोगे. ठीक है, अब ये जो ऑर्डर्स ये देते हैं सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, कुछ स्पेशल ऑर्डर जब देते हैं उन्हें बोलते हैं रिट्स. क्या बोलते हैं, रिट्स. आर्टिकल 32 इनकी बात करता है, जो 5 तरह की होती है. एक तो हैबियस कॉर्पस, दूसरा क्वो वारंटो, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सर्शियरी, ये आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनंसिएशन, फिफ्थ आएगा मैंडेमस. ये 5 तरीके की रिट्स होती है. हैबियस कॉर्पस क्या कहती है, लेट अस हैव द बॉडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिट है. मतलब वो बोलता है कि जो भी बंदा है उसको हमारे सामने पेश किया जाए, जो कोर्ट है ये बोल सकता है, ऑर्डर दे सकता है गवर्नमेंट को, बंदा आएगा अगर उसे लगेगा चाहिए चलो भाई इसको अरेस्ट किया है लेकिन आपने गलत अरेस्ट किया, तो खुद सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है इसको अभी फ्री करो. ठीक है, अगर उसे लगेगा नहीं सही अरेस्ट किया तो वो उस हिसाब से आगे की प्रोसीडिंग करेगा. तो हैबियस कॉर्पस कहता है लेट अस हैव द बॉडी, लाओ पेश किया जाए हमारे सामने किसको आपने पकड़ रखा है. दूसरा ऑर्डर क्या दे सकता है, क्वो वारंटो, अगर गलत बेसिस पे पकड़ा होगा, राइट वॉलेट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट है ना बचाने के लिए, देखो हैबियस कॉर्पस के थ्रू. दूसरा क्वो वारंटो, मतलब किस बेसिस पे आपने किसी बंदे के राइट का हनन किया, किस बेसिस पे आप किसी पब्लिक ऑफिस में बैठे हो जो आप बिलोंग ही नहीं करते हो उस ऑफिस, कोई भी कुछ भी ऑफिस खोल के बैठ गया, मान लो कोई बंदे के पास डिग्री नहीं है डॉक्टर की, MBBS नहीं है वो, या जो वट एवर वो प्रोफेशन फॉलो कर रहा है वो उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है और उसका ऑफिस खोल के बैठा है, गलत है ना ये. तो सुप्रीम कोर्ट क्या रिट इशू कर सकता है, बाय वट वारंट, किस बेसिस पे कर रहे हो भाई आप, पब्लिक ऑफिस की बात हो रही है यहाँ पे, गवर्नमेंट में कोई भी बंदा है नेता वो कोई पब्लिक ऑफिस खोल के बैठा है, जबकि उसके लिए वो ऑफिस उससे बिलोंग ही नहीं करता है,
अपनी मर्जी से पब्लिक ऑफिस का कुछ भी यूज़ कर रहा है वो। मतलब एक मान लो एक कोई नेता है या कोई पब्लिक ऑफिस गवर्नमेंट का कोई ऑफिस है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कमीशन है मान लो, उसका जो काम है वो ना करके वो कोई दूसरा ही काम करने लग गया, तो गलत है ना। तो सुप्रीम कोर्ट उसको क्वेश्चन करता है बाय व्हाट वारंट, किसने आपको वारंट दिया ये करने का। तीसरा प्रोहिबिशन का तो मतलब ही नाम से पता चल रहा है, रोकना किसी चीज़ को। तीसरी के वो रोकती है जो सुपीरियर कोर्ट होता है ना, बड़ा कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को बोल सकता है आपको किसने बोल दिया ये करने से, करने के लिए आप रुको, आप नहीं करोगे ये, इस पर आप जजमेंट नहीं सुना सकते, आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है ये, आपकी लिमिट जो है उससे बाहर का मैटर है ये, आपको हक नहीं है इस पर फैसले सुनाने का। तो ये बड़ा जो कोर्ट होता है सुपीरियर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को बोल सकता है ये, या जैसे हाई कोर्ट बोल रहा है किसी ट्राइब्यूनल को, उससे तो नीचे ही आता है वो, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट बोल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, तो ऐसे ही चलता है। जो ऊपर वाला कोर्ट है नीचे वाले कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है प्रोहिबिशन रिट के थ्रू। चौथा आता है सर्शियररी, इसका मतलब टू बी सर्टिफाइड। देखो कुआ वारंट तो बोलता है हाँ भाई किसने बोला तुम्हें करने के लिए, सर्शियररी बोलता है, सुप्रीम कोर्ट बोलता है अपने छोटे कोर्ट को कि आपके पास ये जो मैटर है ना केस, वो आप मुझे दे दो, ये इतना इम्पोर्टेंट मैटर है आप मत करो इस पे फैसला, मुझे दे दो भाई, मैं आपको सर्टिफाई कर रहा हूँ कि आप मुझे दो। या आप किसी इस ट्राइब्यूनल को, मतलब पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई केस आया और जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बना हुआ है गवर्नमेंट ने पॉल्यूशन से रिलेटेड इन्वायरमेंट के लिए जो बनाया हुआ है, उसको बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जाके ये केस उस पे करो, उस बॉडी को ट्रांसफ़र करो, वो अच्छे से फैसला सुना पाएगी इस पे। तो ये सर्शरी रिट इशू करेगा बड़ा कोर्ट छोटे कोर्ट को कि आप ये अपना मैटर दूसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दो सुपीरियर अथॉरिटी वाले को, ताकि वो प्रॉपरली कंसिडर किया जाए। ये सर्शरी हो गई। अब आता है मैंडमस की। मैंडमस का मतलब वी कमांड। मैंडमस इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ सुपीरियर कोर्ट, ये भी बड़ा कोर्ट लोअर कोर्ट को ऑर्डर दे सकता है या ट्राइब्यूनल को या पब्लिक अथॉरिटी को कि आपको ये काम करना है, ये आपकी ड्यूटी है, आप मैंडेट को फॉलो करो अपने। देखो भाई प्रोहिबिशन रोकता है कि आप ये मत करो, मैंडमस बोलता है कि आप करो, हम बोल रहे हैं ये आपकी ड्यूटी, आप क्यों नहीं अपना काम करें। कोई पब्लिक ऑफिस का लोग है भाई, ये टीचर है उसका काम है पढ़ाना, वो नहीं पढ़ा रहा सरकारी स्कूल में, तो गौर केस हो सकता है ना उस पर कि पढ़ा क्यों नहीं रहा भाई, मैंडेट है अपना फॉलो करो अपने काम को। को वारंट तो बोलता है किस बात बेसिस पर कर रहे हो आप, तो ये कर ही नहीं सकते। तो ये कहीं ना कहीं हर टाइप के पाँच है ये रिट्स। हैबियस कॉर्पस कहता है लेट अस हैव द बॉडी, लाओ दिखाओ सामने आओ कौन है क्या है। को वारंटो बाय व्हाट वारंट, किस बेसिस पे आप ये कर रहे हो, आपको तो ये करना ही नहीं चाहिए। प्रोहिबिशन आप ये नहीं करोगे। सुपीरियर कोर्ट बोलता है, सर्चररी बोलता है कि चलो भाई आपके पास ये केस है हमें दे दो, या किसी दूसरे कोर्ट को दे दो, या किसी दूसरी बॉडी को दे दो। मैंडमस कहता है कि ये आप काम करो, ठीक है। ये पाँच रिट हो गई, आर्टिकल 32 ये बताता है। लेकिन ना जब ये रिट्स सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इशू करता है तो वो आते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, ठीक है। 32 आर्टिकल ये राइट देता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप ये ऑर्डर इशू कर सकते हो। लेकिन जब हाई कोर्ट ये ऑर्डर इशू करता है वो आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। इसमें ना ये चीज़ समझने वाली है बहुत ज़्यादा। देखो मैंने आपको ये बताया आर्टिकल 14 से लेके 32 तक है फंडामेंटल राइट, जो कि अगर हमें चेंज करने होंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होगी। लेकिन उसके अलावा जो राइट्स हैं वो लीगल राइट्स हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्टिकल 32 दे रहा है सुप्रीम कोर्ट को ये राइट, रिट वाला जो राइट है, ये ऑर्डर इशू कर सकते हैं। तो जब भी सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस आएगा उसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा उस पर वो सुनाना जजमेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट है उसका वो, है ना, लोगों का फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी मांग सकता है सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट उसको मना नहीं कर सकता। और आर्टिकल 226 यहीं हाई कोर्ट की बात कर लो, ये फंडामेंटल राइट का हिस्सा तो है ही नहीं भाई, तो लोग इसके पास जा सकते हैं, लोगों के पास राइट है, लेकिन हाई कोर्ट के पास वो नहीं है मैंडेटरी कि उसको करना ही करना है, क्योंकि फंडामेंटल नहीं है। ये मना भी कर सकता है जजमेंट सुनाने के लिए, और चाहे तो सुना भी सकता है फंडामेंटल राइट की जब बात हो तो। और फंडामेंटल की राइट बात की बात होगी ना तब लोग, देखो सुप्रीम कोर्ट की पता है ये जो रिट वाला सिस्टम है सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का पता है, हाई कोर्ट को जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है, डिस्क्रिशन है, वो ज़्यादा मानी गई है हाई कोर्ट की रिट में। क्यों? क्योंकि इसके पास चॉइस है हाई कोर्ट के पास कि चाहे तो वो अपना रिट वाला जो ये इसके पास अधिकार है उसको प्रैक्टिस करे या ना करे, मना भी कर सकता है हाई कोर्ट। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की बात है कि उसको तो भैया इशू करना ही पड़ेगा, उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि मैं फैसला सुनाऊंगा ये नहीं, समझ आ गया। क्योंकि आर्टिकल 32 इसको ये देता है भाई फंडामेंटल, ये आ गया 226, ये तो मना भी कर सकता है डिस्क्रिशन, तो किसके पास ज़्यादा पावर हो गई रिट वाली, हाई कोर्ट के पास। फंडामेंटल राइट के भी ऊपर इशू ये कर सकता है रिट,
हाई कोर्ट और कोई अदर बात पे भी लोग इसको अप्रोच कर सकते हैं और ये फैसला सुना सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट पे, ठीक है, ये फ़र्क है इन चीज़ों में। हाई कोर्ट किसी भी पर्पस के लिए इशू कर सकता है रिट, फंडामेंटल राइट्स भी उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल। इसीलिए कहते हैं कि जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की वो नैरोअर है हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से, ज़्यादा किसकी ब्रॉड है, हाई कोर्ट। अब बात आती है अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी, देखो भाई कोई राइट वायलेट हो रहे हैं तो जुडिशरी रह गई क्या बस सब काम करने के लिए? अदर मैकेनिज्म भी कुछ तो गवर्नमेंट ने बनाए होंगे, तो अदर मैकेनिज्म क्या है देखो, अलग अलग, जैसे अभी मैंने नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की आपको बात बताई जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखता है, क्लाइमेट से रिलेटेड बॉडी अलग है, तो हर तरीके की चीज़ों का ध्यान रखने के लिए एक अलग अलग बॉडी भी है कि आप उसको अप्रोच करो। अब कोर्ट ही तो सारे केसेस नहीं देखने लग जाएगा, कुछ चीज़ों में स्पेशलाइजेशन चाहिए होती है ढंग से फैसलों के लिए। तो जैसे माइनॉरिटीज़ की बात होगी तो नेशनल कमीशन है माइनॉरिटीज़ की, वो देखेगी भाई इससे रिलेटेड चीज़ें। वुमन की बात होगी तो नेशनल कमीशन ऑन वुमन है, और SCs की बात होगी तो उनकी कमीशन अलग है, STs की होगी उनकी अलग है, OBC की अलग है, इन तीनों की अलग है, ठीक है, अलग अलग कमीशन। तो ये अलग ऑप्शन हो गया, लोग इनको भी अप्रोच कर सकते हैं। और एक होगी ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि हम बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट कमीशन है, उसको भी हम पढ़ेंगे। ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकार, इनका उल्लंघन हो रहा है तो इस कमीशन को वो देखना है। स्पेशलाइजेशन के हिसाब से जुडिशरी के अलावा ये चीज़ें हैं जो देखती है वायलेशन ऑफ राइट्स को, फंडामेंटल वॉच डॉग की तरह काम करती है, निगरानी रखती है कि हाँ भाई कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है तो हम बोलें। स्टैट्यूटरी बॉडी है ये ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो, स्टैट्यूटरी मतलब गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आई है उस बेसिस पे ये बना है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही नहीं लिखा हुआ था पहले से कि ये बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है ये, किसी आर्टिकल में नहीं लिखा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होनी चाहिए, ये एक लॉ बनाया गया इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल होता कि ये कमीशन होनी चाहिए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होती। ये फ़र्क होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में और स्टैट्यूटरी बॉडी में। पता है आपको इतनी सारी पॉलिटी की चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दिया ना, बहुत चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। चाहे आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हो, या आप 11th में ही हो, बेस है ये आपको जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनी 1993 के अंदर, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर पहले जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के, जो होते हैं ना महान्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो आएंगे इसके अंदर, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रह चुके हैं वो इसके अंदर आते हैं, और दो और अलग मेंबर जो कि जिनको स्पेशल नॉलेज है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड मैटर्स में, मतलब मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उसमें उससे रिलेटेड जो लोग हैं उसके मेंबर बनेंगे दो। और लेकिन ना बताए इस ह्यूमन राइट्स कमीशन के लिए ना पास ना पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं है, सिर्फ ये रिकमेंड कर सकती है, मतलब किसी ने इसने देख लिया कि ये ह्यूमन राइट्स खराब हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसको सजा नहीं दे सकती, ये गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है कि ये देखो गलत हो रहा है, आप ये एक्शन लो इसके खिलाफ, क्योंकि पावर तो गवर्नमेंट के पास ही है एक्शन लेने की, इसके कमीशन के पास नहीं है, ये बस रिकमेंड कर सकती है। ये गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आप ये करो, कोर्ट को बोल सकती है चलो इस पे फैसला सुनाओ, गवर्नमेंट तो सुन नहीं रही आप सुनाओ, तो इन दोनों के पास ये जा सकती है रिकमेंडेशन के। और ना पता है कोर्ट फिर इस पे प्रोसीडिंग शुरू करेगा कि चलो ऐसे काम करना भाई, NHRC ने हमें बोला है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये हो रहा है गलत, चलो भाई इंक्वायरी के बेसिस पे जो NHRC ने करी उसके बेसिस पे कोर्ट फैसला सुना सकता है। अब पता है NHRC कैसे काम करती है, या तो उसको दिख रहा है खुद के ये चीज़ गलत हो रही है तो वो अपने हिसाब से भी कोई चीज़ रिकमेंड कर सकती है, या फिर कोई लोग आके अप्रोच कर रहे हैं, पेटिशन डाल रहे हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, कोई लोग कहें तो भी ये रिकमेंड कर सकती है आके किसी को आगे, लेकिन खुद के बेसिस पे भी कुछ दिख रहा है अगर गलत, किसी लोग ने नहीं, किसी इंसान ने नहीं कहा इसको कि ये करो, लेकिन इन्हें खुद दिख रहा है ये चीज़ गलत हो रही है तो भी ये बोल सकते हैं, दोनों की चीज़ में इंक्वायरी हो सकती है। जैसे कि किन चीज़ों पे रिकमेंडेशन कर सकते हैं, गुजरात में दंगे हुए थे उन बेसिस पे ये बोल सकते हैं मानव अधिकारों का वो हुआ था उल्लंघन, जो पंजाब में यूथ डिसअपियर हो रहा था एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा नशों में चीज़ें हो रही थी, गलत हो रहा था ना, ह्यूमन राइट्स नहीं है, लोग गायब हो रहे हैं, यूथ ख़राब हो रहा है, उसके खिलाफ ये बोल सकती है। कस्टोडियल डेथ मतलब जो लोग कस्टडी में होते हैं, जेल में होते हैं, उनकी डेथ हो रही है बड़े बेकार तरीके से, आपस में लोग मार रहे हैं, मानव अधिकार के खिलाफ है ना, उन्हें भी डिग्निटी से रहने का अधिकार है, अगर वो जेल में है तो ये थोड़ी उनको मार देगा कोई भी, गवर्नमेंट करे जो करे प्रोसीजर ऑफ लॉ से, तो ये भी मानव अधिकार के खिलाफ है। रेप हो रहा है ये मानव अधिकार के खिलाफ है। पुलिस एक्सेस मतलब पुलिस अपनी पावर से ज़्यादा कुछ चीज़ें कर रही है वो गलत है। वुमन के साथ कुछ गलत हो रहा है, इंडिग्निटी हो रही है वो गलत है। कोई एक्शन नहीं ले पा रही गवर्नमेंट गलत, ये जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है
उससे रिलेटेड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन फैसले सुना सकती है। और कभी कभी देखो ऐसा होता है ना, जो पुअर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता ना, उनमें इतना दिमाग होता, उन्हें तरीके तक नहीं पता होते उनके पास क्या तरीके हैं, उनके पास कौन से अधिकार हैं। जब वो इतना बेचारा खाने पीने के बारे में सोचेगा अपने कि आज मेरा पेट भर जाए, या राइट्स के बारे में सोचेगा, सरकार के बारे में सोचेगा, पॉल्यूशन के बारे में सोचेगा, नहीं सोचेगा ना, तो वो चीज़ों को जब गरीब इंसान खुद अपने लिए सोच भी नहीं रहा कि हमें इसकी ज़रूरत है, तो ये कमीशन काम करती है अपने बेसिस पर खुद से, ठीक है। क्योंकि पुअर और इलिटरेट पीपल तो वकील भी नहीं कर सकते भाई, कितना खर्चा होता है, कितनी महंगाई है। तो अपनी जिन वॉइस, जिन चीज़ों पे, मुद्दों पे वो वॉइस अपनी उठा नहीं सकते, वहाँ पे ये कमीशंस काम आती है। देखा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मस्त हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बनाई हुई चीज़ें। अब यहाँ ख़त्म होता है अपना फंडामेंटल राइट्स का कंप्लीट चैप्टर, ऑल राइट्स आर कवर्ड। अब बात आती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है भाई, ये आते हैं पार्ट फोर के अंदर, वो आते थे पार्ट थ्री में फंडामेंटल राइट्स, ये है फोर में। और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से 51 तक राइट्स आर्टिकल्स में इंक्लूडेड है, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्शंस, गाइडलाइंस। ये पता है वहाँ तो मिल गए लोगों को अधिकार, सरकार की उस पर लिमिट लग गई कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसी चीज़ें हैं कि प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ जो सरकार को फॉलो करने होते हैं, पॉलिसी बनाते हैं टाइम, डायरेक्शंस होते हैं कुछ, गाइडलाइंस। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने लिखा कि एक सोसाइटी इस तरीके की होनी चाहिए, बता दिया गवर्नमेंट को, तो लोग जो गवर्नमेंट के अंदर है हिस्सा वो उसी से रिलेटेड स्कीम्स लाएंगे। जैसे भुखमरी नहीं होनी चाहिए, पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा नो पॉवर्टी, वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों के लिए काम करना है आपको। तो गवर्नमेंट को कुछ गाइडलाइंस है ना, उसे एक वो है माइंड मैप मिला हुआ है कि इस तरीके से हमें काम करना है, हमें ऐसी सोसाइटी अचीव करनी है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसी बातों के बारे में बात करता है। अब इसमें ना और फंडामेंटल राइट्स में एक फ़र्क है, जो कि हम डिफरेंस भी पढ़ेंगे दोनों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उन्हें पता था भाई चैलेंजेस आएंगे बहुत सारे इक्वालिटी लाने में, हैं तो वो डायरेक्टिव पॉलिसी डायरेक्शंस कुछ लेके आए, जिन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि DPSP बोला गया शॉर्ट में, ठीक है, ताकि प्रॉब्लम्स इशू ना हो कोई भी। नो बाइंड बट फंडामेंटल राइट्स होते हैं भाई, उसके अगर नहीं फॉलो कर रही है गवर्नमेंट, उसके खिलाफ भाई कोर्ट जाया जा सकता है। लेकिन अगर DPSP फॉलो नहीं कर पा रही है पूरी एज इट इज, तो उसके खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, नॉन बाइंडिंग है वो। बाइंडिंग है फंडामेंटल राइट्स, ये नॉट बाइंडिंग है, लीगली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता इनको, नॉट जस्टिसिएबल है। और लेकिन यही बात अगर हम फंडामेंटल राइट्स की करेंगे तो जस्टिसिएबल है, यानी कि कोर्ट में जा सकते हैं भाई जस्टिस के लिए कि ये ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, इन्फोर्स नहीं कर सकते लॉ के, नॉन बाइंडिंग है, ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते गवर्नमेंट पे। ये कोई बंदा ये नहीं कह सकता भाई ये तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा है, गवर्नमेंट ने ये नहीं करा, चलो इनके खिलाफ एक्शन लो, नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल में एक मोरल फोर्स होती है कि चल भाई गवर्नमेंट को बता देते हैं हम, एक तरीके से मॉरल ड्यूटी है उनकी कि आपको इस हिसाब से काम करना है, जो सीरियसली ले चीज़ों को, वेलफेयर करना ही उनका एक मोटिव है, प्रॉफिट कमाना नहीं, वेलफेयर करना सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव है, ये अपना डायरेक्टिव प्रिंसिपल का मोटिव है, जो गवर्नमेंट को ये टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता है। जब भी तो पॉलिसीज और स्कीम्स आती है, अगर ये वूमन के बारे में बात कर रही है डायरेक्टिव प्रिंसिपल कि वूमन को ये होना चाहिए, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए वूमन की, ये फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उसी से रिलेटेड लॉज बनाती है गवर्नमेंट ध्यान में रखते हुए। पता है जैसे अनटचेबिलिटी वाली बात है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ के बारे में सोच पा रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में वो लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड उन्हें लगा कि लॉ बनाना चाहिए, लॉ बनाया, राइट बनाया फंडामेंटल राइट उससे रिलेटेड। मतलब ये सारी चीज़ें ना कहीं DPSP गवर्नमेंट को इंस्पायर करती है कि इससे रिलेटेड आप कानून बनाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है कि भाई सेम तरीके का लॉ होना चाहिए सबके लिए, चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, किसी किसी मैटर में, जैसे मैरिज से रिलेटेड प्रोसीजर सेम होना चाहिए, पनिशमेंट अगर मैरिज की है कोई तो वो सेम होनी चाहिए, चाहे कोई भी रिलीजन हो, तो वो भी पता है DPSP में लिखा हुआ है। अब ऐसा तो है नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया है, गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लेके आई है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा, नहीं, नॉन बाइंडिंग है, बताया गया है DPS में, गवर्नमेंट फ्यूचर में वो ला सकती है, जिस पर बात भी हो रही है, लेकिन वो नॉन जस्टिसिएबल है, नॉट बाइंडिंग, ठीक है, फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल है। अब इनका मेन, अब ये पता है ये तो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कौन से आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन अभी हमें ये समझना है कि इनका काम क्या है, पॉलिसी डायरेक्शन है, गवर्नमेंट इसके हिसाब से पॉलिसीज बनाती है। पता है जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे लिमिट लगाते हैं, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये बोलते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये काम करो, दोनों में ये डिफरेंस है, और वो उसके खिलाफ हम जा सकते हैं कोर्ट में, इसके खिलाफ नहीं जा सकते। कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव देती है ये सोसाइटी को भी कि ये ऐसी आपकी सोसाइटी होनी चाहिए, आप भी ये चीज़ें सीखो,
सोसाइटी को भी ऐसे फंक्शन करना चाहिए. कुछ राइट्स मिलते हैं इसमें, फंडामेंटल राइट्स तो है ही है, इंडिविजुअल को इसके थ्रू भी कुछ राइट्स मिल जाते हैं, है ना. कुछ चीज़ें लिखी है गवर्नमेंट ने, लॉ बना दिया, बन गया राइट, ऑर्डिनरी राइट्स में आ गया वो. और भाई कुछ पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, वो सारी चीज़ें आ गई. जैसे कि गवर्नमेंट ने इससे इंस्पायर होकर कई चीज़ें बनाई. देखो जमींदारी अबॉल्यूशन बिल लाया कि जमींदारी सिस्टम जो चलता है उसको बंद किया, DPSP में था क्योंकि फैक्ट्री लॉ आए. मिनिमम वेज की बात हुई कि मिनिमम इतनी दिहाड़ी तो लोगों को मिलनी चाहिए. SC ST के लिए उसको अपलिफ्ट करो, उस सेक्शन को बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उससे रिलेटेड बात हुई इसके अंदर. DPSP में वुमन के बारे में प्रोविजन है, एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ की बात होती है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये भी DPSP में है. ड्रग कंट्रोल होनी चाहिए, जो इलीगल ड्रग्स वगैरह लोग यूज़ करते हैं ये नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, तो लोग भी इससे इंस्पायर होते हैं कि सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए. गवर्नमेंट को भी दिख रहा है कि ये ड्रग हो रहा है, तो भाई DPSP में भी लिखा हुआ है, चलो भाई लॉ बनाते हैं इससे रिलेटेड. पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, उससे रिलेटेड लॉज आए. तो ये सब कहाँ है DPSP में? देखो इतना इम्पोर्टेंस है DPSP की, समझ आ गया? DPSP क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट. अब इन दोनों की जो रिलेशनशिप है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, क्योंकि दोनों ही जरूरी है. कहीं फंडामेंटल राइट DPSP से रिलेट होके बनते हैं, कोई DPSP फंडामेंटल राइट से रिलेट होके बना हुआ है, और दोनों एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. लेकिन ना कई बार दोनों में कन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं. कभी लगता है कोई फंडामेंटल राइट किसी DPSP का उल्लंघन कर रहा है, कभी लगता है DPSP फंडामेंटल राइट का उल्लंघन कर रहा है. अब जब दोनों मान लो उनमें हो गई कन्फ्लिक्ट आ गई, एक फंडामेंटल राइट किसी चीज़ के लिए कुछ और कह रहा है और DPSP कुछ और ही कह रहा है, तो किसको ऊपर रखेंगे हम? फंडामेंटल राइट को. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, केशव नंदा भारती केस जो हम अभी पढ़ेंगे. वो भी किसने बोला भाई, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा, स्टेट केरला के वर्सेस इस केस था स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट, उसने फैसला सुनाया कि फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता जो भी इसके अंदर आ गए, ठीक है, चेंज नहीं किया जा सकता. कुछ बेसिक चीज़ें उसके खिलाफ नहीं बोल सकते आप. तो फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम माना गया अल्टीमेटली जाके. पहले कन्फ्लिक्ट था, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट सुना दी. अब देखो फंडामेंटल राइट्स करते हैं, रोकते हैं गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें करने से, लेकिन प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि चलो भाई ये चीज़ें आप करो. और ये इंडिविजुअल के राइट्स है ना, एक इंडिविजुअल बंदे के, वो ज़्यादा प्रोवाइड कराते हैं फंडामेंटल राइट. और ये ओवरऑल एक सोसाइटी की बात करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट की बात हो रही है, अब सिर्फ एक बंदे के इन्वायरमेंट की थोड़ी ना की बात है, यहाँ ओवरऑल बात हो रही है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल बताते हैं. कभी कभी कन्फ्लिक्ट होता है तो फंडामेंटल राइट्स हम ऊँचा मानेंगे. अब देखो ये क्या सिस्टम था, एग्जांपल के थ्रू आपको सुनाती हूँ. जब अबॉलिशन की बात हुई, जमींदारी सिस्टम हटाना है, तो इसके खिलाफ लोगों ने बोला कि जो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार आपने हमें दिया हुआ है भाई, ये जो फंडामेंटल राइट है, तो आप जमींदारी सिस्टम कैसे हटा सकते हो बताओ, गलत है ना. या तो DPSP कह रहा है भाई ये गलत है जमींदारी सिस्टम, फंडामेंटल राइट हमें अधिकार दे रहा है कि प्रॉपर्टी का आपको राइट है. दोनों बीच में आ गया कन्फ्लिक्ट है, तो अब क्या करें? DPSP की सुनेंगे तो जमींदारी सिस्टम हटा देंगे, फंडामेंटल की राइट सुन फंडामेंटल राइट की बात सुनेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी है ये नहीं हटेगा. कन्फ्लिक्ट आ गया, तो फिर आता है अपना गवर्नमेंट क्या करती है, जमींदारी सिस्टम हटा देती है और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देती है. भाई कहती है कि चलो भाई हमने तो यहाँ पे DPSP की बात मान ली, जमींदारी सिस्टम को ले आए और राइट टू प्रॉपर्टी का कोई वैल्यू ही नहीं हुई आपको बताओ. फंडामेंटल राइट होने के बाद भी, पहले की बात है ये इशू हो गया, यहाँ पे DPSP को सुप्रीम मान लिया गया, गवर्नमेंट ने एक्शन ले लिया. लेकिन जो एग्जीक्यूटिव वाले बंदे थे ना, वो कहते थे चलो भाई ये DPSP हम इसलिए हमने प्रैक्टिस करा, इसको ऊपर रखा, क्योंकि ये लोगों के वेलफेयर के खिलाफ है भाई जिम्मेदारी सिस्टम, उसके बीच में रुकावट है, एग्जीक्यूटिव ने ये बोला. लेकिन जब ये बात सेम जुडिशरी के सामने आई, केस गया ना, कन्फ्लिक्ट आया कि गवर्नमेंट ने गलत कर दिया, लोग गए अप्रोच किया जुडिशरी ने इस टॉपिक पे, बोला कि भाई ये फंडामेंटल जो राइट आपने इग्नोर कर दिया ना इतनी आसानी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया है और इसको लिमिट नहीं कर सकते आप, चाहे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की ही बात क्यों ना हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह रहा है इसलिए हमने राइट को हटा दिया, फंडामेंटल राइट को इग्नोर कर दिया. तो जुडिशरी ने क्या फैसला सुनाया, इतनी डिबेट्स काफ़ी टाइम होती रही, अल्टीमेटली फैसला हुआ कि भैया फंडामेंटल राइट इतने इंपॉर्टेंट है कि चाहे DPSP की भी अगर बात आ रही हो ना, उसके भी अगेंस्ट ही आ रहा हो, तो फंडामेंटल राइट को ऊपर रखा जाएगा. प्रॉपर्टी कुड बी टेकन अवे बाय गवर्नमेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर, मतलब एग्जीक्यूटिव तो ये कह रहा था कि भाई अगर पब्लिक वेलफेयर की बात हो रही है ना, कि लोगों के हित में कोई काम करना है, तो वो प्रॉपर्टी भी टेक अवे कर सकता है.
प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट के पास अधिकार है किसी की प्रॉपर्टी छीन सकते हैं, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं कर सकते आप, ये चीज़ सबको अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी का। तो ये इश्यूज हुआ, लेकिन क्या फैसला हुआ, फंडामेंटल राइट्स आर सुप्रीम। किस केस में ये बात हुई, केशवानंदा भारती केस में वर्सेज स्टेट ऑफ केरला, कौन से ईयर में हुआ, 1973 में। पता है इस केस में बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का ना एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक ढांचा, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं खिलवाड़ कर सकते फ्यूचर में, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं बदल सकता उसको, इतना ही कुछ हो जाए जिसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या बोलते हैं कि शिवनंदा भारती ने तो फंडामेंटल राइट्स आते हैं भाई, नहीं छेड़ सकते आप इनको, कुछ भी हो जाए चाहे। अब राइट टू प्रॉपर्टी आ रहा था खिलवाड़ में, अब सुप्रीम कोर्ट ने देखा ये चीज़, तो उन्होंने कहा चलो भाई ये वैसे देखा जाए तो मॉरली गलत है जमींदारी सिस्टम, लेकिन ये राइट टू प्रॉपर्टी गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे आप। उसने देखा ना सही गलत, सुप्रीम कोर्ट तो न्याय करती है, तो राइट टू प्रॉपर्टी को उन्होंने फंडामेंटल राइट से ही हटा दिया, इसको लीगल राइट बना दो भाई, ताकि सुप्रीम फंडामेंटल राइट ऊपर भी रहे और ये लीगल राइट है इसे तो हटा सकते हैं, तो इसको बनाया लीगल राइट। 44th अमेंडमेंट में मैंने जो आपको बताई थी, ये एक्ट लेके आए, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल के किस में डाला, लीगल राइट में, आर्टिकल 300A में। अब ईजी हो गया देखो गवर्नमेंट के लिए ना, गवर्नमेंट अब बुरी बनेगी कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है, लोगों के हित में भी काम हो जाएगा। तो ये किसने करा, केशवानंदा भारती केस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंडियन हिस्ट्री ऑफ जजमेंट्स में, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इस केस ने कर दी, इस डॉक्ट्रिन को यही बोलते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को कोई नहीं छेड़ेगा सरकार में कोई भी हो, ठीक है, ये लॉ लिया है इस राइट को हटा दिया, ऐसे नहीं होगा, फंडामेंटल राइट भी बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा। अच्छा बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है ये क्या इसने बताया, ये टाइम टू टाइम जो जुडिशरी है वो बताती रहती है, इशूज आते रहते तो वो इंटरप्रेट करती रहती है, एक साथ सब नहीं बता सकती ना वो, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है बेसिक स्ट्रक्चर में क्या, लेकिन फंडामेंटल राइट इसका पार्ट है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी भी आपको समझ आ गया क्या था इसका क्या नहीं था। अब देखो आपके पास अधिकार है भाई, फंडामेंटल राइट्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी है, इतने अधिकार अधिकार हो गए, आपकी भी तो कुछ ड्यूटी होनी चाहिए ना, फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, वो आती है पार्ट 4A के अंदर, ठीक है, और आर्टिकल 51A ही इसकी बात करता है। पता है शुरू में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब नहीं थी ये, बाद में आई 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आया इसको 1976 में। ये कहता है कि भैया इतने राइट्स मिल गए तुम्हारी भी कुछ ड्यूटी बनती है, जैसे कि भाई आप जो फ्रीडम स्ट्रगल में कुछ चीज़ों बहुत इंपॉर्टेंट थी उसकी आपको रिस्पेक्ट करनी है, वो मान के चलनी है, अपनी कंट्री को आपको डिफेंड करना है, नेशनल सर्विस देने की जरूरत पड़े तो आपको देनी है, आपकी ड्यूटी बनती है। अब जैसे कि DPSP के खिलाफ कोई वो नहीं कर सकता कि ये नहीं हो रहे, कोर्ट नहीं जा सकता, ऐसी ड्यूटी कोई नहीं फॉलो कर रहा तो उसके खिलाफ भी नहीं जा सकते, ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है आपकी, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, आप नहीं कर रहे तो आपको जेल में नहीं डाल देंगे कि आपने भैया सर्विस दी नहीं नेशनल सर्विस, ये तो आपकी ड्यूटी है चलो जेल, नहीं, ये फंडामेंटल राइट्स ही है जो जस्टिसिएबल है और इन्फोर्सेबल है, DPSP और ड्यूटी इन्फोर्सेबल नहीं है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये नहीं थी, ये अमेंडमेंट के बाद आई 4A पार्ट बना के, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो, एंथम जो नेशनल एंथम है उसको देखो जो कह रहा है वो फॉलो करो, यूनिटी रखो, भाईचारा बना के रखो, नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करो, प्रॉपर्टी को हार्म मत करो, अपॉर्चुनिटीज एजुकेशन से। अच्छा पता है ये ना पहले थी 10 जब ये डाली, ओरिजिनल तो नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन में, 10 थी 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे, फिर 86th अमेंडमेंट आई 2002 में, तब ये 11वीं भी ड्यूटी ऐड की गई जिसमें था कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराओ एजुकेशन के लिए, माँ बाप जो भी है उनको उनका हक बनता है कि अपने बच्चों को एजुकेशन दें, उनकी ड्यूटी है, ये नहीं कि गवर्नमेंट लोग क्या माँ बाप भी कह रहे हैं नहीं जी हमें नहीं पढ़ा, ड्यूटी है यार उनकी ये। तो ये सारी हो गई फंडामेंटल ड्यूटी की बात, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अगर राइट्स हैं तो ड्यूटीज भी है, अगर पॉलिसीज है तो उसके लिए डायरेक्शंस भी है, हर चीज़ पे एक लिमिट है। पता है सरदार हुकुम सिंह जी थे, उन्होंने बोला कि भाई जो मेजॉरिटी है ना, इतनी हिंदू इतने हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में और माइनॉरिटी है, अगर उनके पास कोई राइट ही नहीं होंगे तो वो सिक्योर कैसे फील करेगी सेफ, पहले इतने कम नंबर में मेजॉरिटी तो उस पर अपने हक जमा सकती है क्योंकि वो तो ज़्यादा है जो अपनी मर्जी के कानून ला सकती है वो, इसलिए राइट्स माइनॉरिटी की भी इम्पोर्टेंस की बात की गई हुकुम सिंह जी के द्वारा कि भाई इनको भी सिक्योर फील कराओ, इनके भी डिमांड्स पे सेफ गार्ड लगाओ, लैंग्वेज स्क्रिप्ट बचाओ इनकी भी, ये सरदार हुकुम सिंह जी ने बोला। और ज्योतिबा फूले जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सोसाइटी के लिए रिफॉर्म्स की बात करते थे, बदलाव अच्छे अच्छे
लाने की बात करते थे ये, और कई चीज़ें इन्होंने की अपनी फ्रीडम स्ट्रगल में, बहुत ज़्यादा योगदान रहा इनका नेशनल मूवमेंट के टाइम। इन्होंने भी बोला कि भाई अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होने चाहिए, एक्सपेंड होने चाहिए। जुडिशरी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कंफ्यूज होती है कई चीज़ों को लेके, कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा है नहीं समझ पाती, तो जुडिशरी वहाँ आके हेल्प करती है, चीज़ों को सॉल्व करती है। तो ये सारी चीज़ें, इस बातें इन लोगों ने कही। अब इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, PDF चाहिए हो तो कमेंट कर देना। दिस इज़ ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स, हमने कमीशन की बात की, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस होल चैप्टर। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विनायका बाय मानसी।